सारे विद्यार्थी गणों का इस बहुत ही सुंदर से लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है इस बहुत ही ब्यूटीफुल से चैप्टर में। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये ब्रह्मास्त्र फिजिक्स बैच का है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मैंने। तो ब्रह्मास्त्र फिजिक्स बैच आखिर है क्या? तो ये जो बैच है इसकी सारी डिटेल्स कि इसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसके लिए एक अलग वीडियो है, पहले आप वो देख लीजिए, वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अभी जो हम लोग आ चुके हैं वो आ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर पे। तो फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन ये आपके 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, आपको याद होगा आपकी जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, उसमें जो तीसरा चैप्टर है 11th का उसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। और ये मोशन इन अ प्लेन सीईटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सीईटी में टोटल मिला के आपको 24 चैप्टर फिजिक्स के आने वाले हैं, जिसमें से 8 चैप्टर्स जो है वो रहेंगे आपके 11th के, जिसका वेटेज रहेगा 20%। और 12th में जो चैप्टर्स हैं वो है 16 चैप्टर्स, और जो 16 चैप्टर्स मतलब 16 अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, 10 ही उंगलियां हैं, 10 और 6, 16 चैप्टर्स। तो 12th में 16 चैप्टर्स और उसका वेटेज है 80%। तो 20% भी दोस्तों कम नहीं है। अगर आप अच्छा परसेंटाइल चाहते हैं तो आप लोगों को 11th 12th दोनों पे फोकस करना होगा, और 12th के जो चैप्टर्स हैं उन्हें समझने के लिए 11th के चैप्टर्स की भी जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए आइए, सबसे पहला चैप्टर आज हम ब्रह्मास्त्र बैच का जो है मतलब आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। तो आरंभ प्रचंड होना चाहिए। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर। तो आइए उसको देखते हैं। ओके, सो बिना वक्त गवाए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर। सो यहां पे है आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की लिस्ट। ये लिस्ट जो है आपको वीडियो में जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वहां पर टेलीग्राम की एक लिंक है, उस पर टेलीग्राम पर भी मैं ये पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो हम पढ़ने वाले हैं विद सॉल्यूशंस, द क्वेश्चंस एंड द सॉल्यूशंस, ये पूरा का पूरा मैं पोस्ट कर देने वाला हूं टेलीग्राम पे। इसके अलावा जो एडिशनल प्रॉब्लम्स रहेंगे, जो भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स जो आपको प्रैक्टिस करना है, वो सारे प्रॉब्लम्स पूरे के पूरे मैं डाल दूंगा अपनी ऐप पर। ऐप के ऊपर ये वीडियो तो जाएगा ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी जाएगा। वो एक्स्ट्रा क्या है वो उसे ही समझ में आएगा जो उस बैच को लेगा। ब्रह्मास्त्र बैच यूट्यूब पर भी चलेगा और मेरी ऐप पर भी चलेगा। यूट्यूब पे भी मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, जिससे आपको बेसिकली बहुत अच्छे सीईटी में मार्क्स आएंगे, सीईटी में आपका अच्छा परसेंटाइल आएगा। लेकिन ऐप पर ऑफकोर्स क्योंकि वो पेड बैच है, लोग 299 भरेंगे तो उन्हें वो बैच देखने मिलेगा, तो उस पर इससे थोड़ी सी चीजें ज्यादा रहेंगी, थोड़ा सा ऑफकोर्स थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो वो जो थोड़ा सा ज्यादा है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वहां से पढ़ सकता है। वहां पर आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बहुत सारे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो कि यूट्यूब पर नहीं मिल पाएंगे। तो वो ऐप का जो ब्रह्मास्त्र बैच है उसे आप अगर बाय करते हैं 299, देखिए लिसन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मान लो आपकी 10 दिन की पॉकेट मनी है, तो 10 दिन की पॉकेट मनी अगर आप यूज करके कोई अच्छी चीज सीख रहे हैं, आपको फिजिक्स सीखने मिल रहा है, और उस बैच की मैंने वैलिडिटी भी काफी लंबी रखी है, उस बैच की वैलिडिटी भी मैंने वन ईयर रखी है, तो 1 ईयर तक आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपको आप उसको इस्तेमाल करके अगले साल तक भी प्रिपेरेशन कर सकते हैं, तो उसकी वैलिडिटी भी अच्छी है। तो आप लोग उस बैच को जरूर खरीदिए, उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आएगा, उसमें मैं चीजें और ऐड करते रहूंगा, एडिशनल वीडियोस डालता रहूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो जाए, ठीक है। वैसे यूट्यूब पर भी फुल फ्लेज बैच चलने वाला है, सो जिन लोगों के पास वो पॉकेट मनी भी नहीं है तो उनका भी ध्यान बेटा हमको रखना है, हम सभी को, वो हमारे सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सभी तक महाराष्ट्र के कोने कोने तक ये बैच पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए यूट्यूब पर भी हम लोग बहुत ही डिटेल में बैच चलाएंगे, हर चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक फॉर्मूले को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग भले आपने कोई भी बैच पहले से खरीद लिया है, कुछ भी कर लिया है, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस बैच को जरूर देखना, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल आसमान छुएंगे, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो सबसे पहला जो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है। सो एवरेज स्पीड सभी लोग जानते हैं कि पाथ लेंथ अपॉन टाइम, पाथ लेंथ कुछ और नहीं है बेटा, डिस्टेंस को ही पाथ लेंथ कहते हैं। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम यही आपका एवरेज स्पीड है। ये पेन कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया है, थोड़ा सा पतला कर देता हूं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पे मिस्टेक से लिख दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डोंट वरी, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऐसा का ऐसा जैसा मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं।
सो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे बचपन से पढ़ रहे हो यार, बचपन से कि भैया जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो डिस्टेंस ले लो चाहे डिस्प्लेसमेंट ले लो। अरे भैया ये स्केलर ही है, वेक्टर है। अरे दो चीजें होती है ना, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। तो डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वैसी स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, तो स्पीड आप बचपन से पढ़ रहे हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वही चीज में एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ लो कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है, एवरेज। ठीक है, इसे हम एवरेज ही कहेंगे। अब एक और बात बहुत ध्यान से सुनना, इसको हम कभी कभार ऐसा भी लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जितना भी आपने डिस्टेंस कवर किया हुआ, सुनो मान लो कि आप है ना आधा घंटा, अरे आधा घंटा आप अपने बाइक पे 20 की स्पीड से गए, फिर 15 मिनट जो है 50 की स्पीड से गए, फिर आधा घंटा आप जो है मतलब यानी कि 60 की स्पीड से गए या 80 की स्पीड से गए, वो सारे के सारे डिस्टेंस और टाइम, अरे मतलब कितनी देर तक आप कितनी स्पीड से चले, वो सारी चीज इसमें लिख दो तो आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो एवरेज स्पीड इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। टोटल डिस्टेंस इधर लिखने का, ऊपर जितना भी डिस्टेंस आप चले, अरे वो जो 15 मिनट था, आधा घंटा था, पौना घंटा था, वो चले हो गए ना तुम, उसमें पूरा डिस्टेंस यहाँ पे लिखो और जो टाइम तुमने लिया 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट सब ऐड करके यहां लिखो, तो पूरा डिस्टेंस पूरा टाइम डिवाइड करेंगे तो अपने को जो है एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये डेरिवेटिव होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है अभी अभी इस वक्त, जैसे अपन बाइक चला रहे, तो लिसन वेरी केयरफुली, बाइक चलाते वक्त ये बात याद रखना कि आपकी स्पीड हमेशा फिक्स नहीं रहेगी। अगर आप स्पीडोमीटर को देखेंगे, तो स्पीडोमीटर पे आपको कभी दिखाएगा कि आपकी स्पीड 25 है, कभी दिखाएगा 45 है, कभी दिखाएगा 52 है, कभी दिखाएगा 68 है। तो आपकी स्पीड हमेशा फिक्स नहीं रहती। तो अभी इस वक्त क्या स्पीड है, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस वक्त जो स्पीड है, इस वक्त उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। अरे इंस्टेंटेनियस जो अंग्रेजी शब्द है उसका मतलब है क्षणिक, क्षण, क्षण, क्षण एक संस्कृत वर्ड है, एक पल के लिए, एक इंस्टेंस के लिए, एक सेकंड के लिए। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब याद रखना कि इस वक्त, और जब भी बात इस वक्त की हो रही है, पूरे टाइम की नहीं हो रही। अरे मैं अगर ये नहीं जानना चाहता कि तुम एक घंटे में कहां से कहां गए और कितनी कितनी स्पीड तुमने बदली और टोटल मिला के एवरेज स्पीड कितनी है, अगर मैं ये जानना नहीं चाहता, मैं जानना चाहता हूं अभी तुम्हारी स्पीड क्या है, तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैं ये कह दूं कि कोई बंदा कल्याण से निकला बाइक लेके, एक घंटे में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंच गया, तो भैया ये जो 60 किलोमीटर वो गया और 60 मिनट में गया, एक घंटा मतलब 60 मिनट में गया, तो 60 किलोमीटर 60 मिनट में गया, तो एवरेज स्पीड उसकी 1 किलोमीटर पर मिनट, या फिर आप ये कह सकते हैं 60 किलोमीटर एक घंटे में गया, मिनट मत लिखो, 60 मिनट मत लिखो, एक घंटा लिखो, तो 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये उसकी स्पीड हो गई। अच्छा अब ये स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, आप मुझे बताइए कि क्या ये एवरेज स्पीड है या इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इस वीडियो को फटाक से रोकिए, पॉज करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। जो टाइम चल रहा है इस वक्त, मान लो कि टाइम चल रहा है 8 मिनट 50 सेकेंड, तो आप वहां पे वो टाइम भी लिखिए पहले, 8 डॉट डॉट। देखो कभी भी जवाब दोगे ना कमेंट में तो ऐसा दो, 8 डॉट डॉट, फिर 28 चल रहा है मान लो, ये लिखने के बाद आप लिखो कि 60 किलोमीटर पर आवर या जो भी लिखना है आपको, अपना जवाब लिखना है, ये आप ऐसा टाइम के साथ लिखो ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप कौन से क्वेश्चन की बात करो। कभी कभी बच्चे डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं तो मालूम कैसे पड़ेगा कि किस क्वेश्चन की बात चल रही है। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, तो सवाल ये था कि जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई है, अरे भैया ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है कि ये एवरेज स्पीड है? तो बेटा याद रखना ये स्पीड जो है एवरेज स्पीड है। क्यों? क्योंकि बंदा भले एक घंटे में 60 किलोमीटर गया, लेकिन वो हमेशा एक ही स्पीड से, यानी कि 60 की स्पीड से शुरू से आखिर में नहीं जा रहा था, शुरू से आखिर तक 60 की स्पीड से नहीं जा रहा था। कभी उसकी स्पीड सिग्नल पे कम भी हुई, वो रुका भी, उसकी स्पीड जीरो भी हुई, कभी उसकी स्पीड बढ़ के 90 किलोमीटर पर आवर भी हुई, कभी उसकी स्पीड कम होके 45 किलोमीटर पर आवर भी हुई ट्रैफिक में। तो कहने का मतलब यह है कि लेकिन हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस देख लिया, टोटल डिस्टेंस 60 और टोटल टाइम देख लिया, टोटल टाइम है एक घंटा, उसको डिवाइड कर दिया, तो भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है।
इंस्टेंटेनियस नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है? इंस्टेंटेनियस होता है डेरिवेटिव। याद रखना, आज के बाद से जब भी वर्ड इंस्टेंटेनियस सुनाई दे, समझ जाने का कि बात हो रही है डेरिवेटिव्स की। किसकी बात हो रही है? डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव लेना पड़ता है। अब फिजिक्स पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को पहले एक बात बता दूं कि आपको थोड़ा सा मैथ्स आना जरूरी है। किसी किसी का मैथ्स थोड़ा सा कच्चा है, तो मैथ्स अगर कच्चा भी है चलेगा। डेरिवेटिव्स के कुछ बेसिक फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के तो ना के बराबर फॉर्मूले, मुश्किल से 3 या 4 फॉर्मूले बस उतने पढ़ना है। डेरिवेटिव्स के 5-10 और इंटीग्रेशन के 3-4, इतने से फॉर्मूले पढ़ लो, आपका फिजिक्स समाप्त, खत्म, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। तो आप बहुत ज्यादा झंझट टेंशन मत लो, अरे सर मेरा तो मैथ्स कमजोर है, मेरे को फिजिक्स आता नहीं है, समझ में नहीं आता, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। अरे भैया वही, उसी के लिए तो लेसन मतलब लेक्चर लिया जा रहा है। तो यहां पे जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वहां पे जो डेरिवेटिव्स यूज होंगे, उन डेरिवेटिव्स को बार बार प्रैक्टिस कर लो तो काम हो जाएगा। तो जब भी बात चलेगी इंस्टेंटेनियस की, तब डेरिवेटिव लेना होगा। सो टेक डेरिवेटिव, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप ऐसा गलती से ये ना समझ लें कि इंस्टेंटेनियस का मतलब डेरिवेटिव। अबे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो इसका मतलब है कि इस वक्त की वेलोसिटी, लेकिन इस वक्त की वेलोसिटी जानने के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ता है। सो टेक डेरिवेटिव, इंस्टेंटेनियस जब भी बोलेगा तो टेक डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, सो मैं अच्छे से और लिख देता हूं यहां पे इसको। सो वी इंस्टेंटेनियस इज डेरिवेटिव ऑफ जो भी पोजिशन वैक्टर है या डिस्प्लेसमेंट है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डेरिवेटिव लेना होगा, डेरिवेटिव। ओके, अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस जो एक्सीलरेशन है, वापस से डेरिवेटिव लेना होगा आपको। तो इसका भी आपको यहां पे दिख रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सो इट इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है? ओह शिट, क्या हुआ भाई? गॉड डैम इट, व्हाट द हेल हैपेंड? शिट शिट शिट, नथिंग इज हैपनिंग। अच्छा भैया, याद रखना पड़ेगा, बहुत एहतियात से काम करना पड़ेगा, तो चीजें मिट जाती हैं पूरी। ओके, एनीवे, नो प्रॉब्लम, नो इशू, हो जाती है, एक बार ऐसी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो एवरेज स्पीड इज व्हाट, मैं फिर से लिख दे रहा हूं बेटा, ध्यान से देख लीजिए फटाफट। सो इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, बल्कि सही मायने में टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो गया आपका एवरेज। ठीक है, एवरेज स्पीड, ये था एवरेज वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन विच इज नथिंग बट ए डीवी बाई डीटी। ठीक है, एक्सीलरेशन इज डीवी बाई डीटी। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कौन कौन से फॉर्मूले सही होते हैं, तो वो फॉर्मूले को भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं वापस लिख देता हूं कि इंस्टेंटेनियस जब भी वर्ड आएगा तो टेक डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ले लेना है, इसको याद रखना है। ठीक है, ओके, अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जब भी होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का बेटा मतलब क्या चीज है, बेटा क्या मतलब इसका, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता क्या, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? अरे बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक बार बाइक पे अपने से हाथ रखा और आपने अपनी कलाई को, अपनी जो रिस्ट है, इसको सिर्फ एक ही तरफ घुमा के छोड़ दिया। अगर आप ऐसे ही इतना ही कान मरोड़ोगे बाइक का या स्कूटी का, इतना ही एक, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ने की स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी, रेट ऑफ चेंजिंग स्पीड फिक्स रहेगा। अरे मतलब पहले स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर बार एक एक सेकेंड में एक एक बढ़ता जा रहा है। तो 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अच्छा, अगर आपने ये एक्सीलरेटर ऐसा खींचा ही नहीं, बल्कि नॉर्मल ही रहने दिया, तो जो स्पीड चल रही है वही स्पीड पे गाड़ी चलेगी, अगर दुनिया में फ्रिक्शन ना हो तो। अगर दुनिया में फ्रिक्शन ना हो, एक्सटर्नल फोर्सेस ना हो, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ जो स्पीड से गाड़ी चल रही है वो जिंदगी भर वही स्पीड से चलती रहेगी। तो अगर आप एक्सीलरेटर का यूज ना करें, अपना हाथ नॉर्मल ही रखें, बाइक पर नॉर्मल हाथ रखें, तो आपकी गाड़ी अगर 30 पे चल रही है तो 30 पे ही चलती रहेगी हमेशा, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। अरे फिक्स वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक सीधी वेलोसिटी। लेकिन जब आपने एक्सीलरेटर पे ऐसा हाथ घुमाया
तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5 ऐसे करके होता जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो उसमें यह फॉर्मूला सच होता है कि एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। अरे भैया एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं ना मेरे भाई, एवरेज कैसे निकाला जाता है बेटा, एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं ना कि भैया जो एवरेज स्पीड होती है वो ऐसे निकाली जाती है, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाय 2। सो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। मैं कभी कभार स्पीड वेलोसिटी थोड़ा सा ऐसा इंटरचेंजेबली यूज करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, इट्स ओके, मतलब ज्यादातर तो मैं वेलोसिटी ही कहना चाहता हूं, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। अरे भैया एवरेज यार, एवरेज का यही तो तरीका है, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि v इक्वल्स टू u प्लस at, तो फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये एक याद रखना। फिर आप लोग ये भी पढ़ते आ रहे हो कौन सा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सब लोग याद रखेंगे क्या, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके और भी वेरिएशंस हैं, तो देखो पहला तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी आप याद रख सकते हैं, या फिर s इज इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग है ना थर्ड फॉर्मूला चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, इसे आप ना भी पढ़ें चलेगा। तो ये मैं पूरा इसको हटा दे रहा हूं, आप लोग सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए, उसमें से भी थर्ड वाले को आप इग्नोर कर दीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड को याद रख लीजिए, इसी में आपका काम हो जाएगा, बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूले हैं ये दोनों। अच्छा, इसके अलावा अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये भी आप बचपन से पढ़ रहे हैं, विच इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे भैया इसे कहते हैं न्यूटन की काइनेमेटिकल इक्वेशंस, भैया न्यूटन की तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं, सो दीज आर न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ये हम सभी को आना चाहिए बच्चा। देखो तुम्हें अभी तक ये नहीं आ रहा था ना, कोई बुरी बात नहीं थी बेटा, नहीं आता था ना चलेगा, अब तक नहीं आता था चलेगा, लेकिन अब बारहवीं पास हो गए चले गए, इंजीनियर बन गए, फार्मासिस्ट बन गए, कुछ भी बन गए, उसके बाद तुम्हें ये बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशंस अगर नहीं आएंगी तो भैया दुनिया में बड़ी थूथू होगी, ऐसा हरकत है मत करो। काइनेमेटिकल इक्वेशंस मेरे साथ बोलो, कम ऑन, v इक्वल्स टू u प्लस at, फटाक से बोलेंगे v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और फाइनली v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अरे भैया रटो, बार बार रटो, पीछे जाओ, वापस से सुनो, वापस बोलो, अरे उसे लिखो बार बार। जिस बच्चे ने भी अगर ये पूरा लेक्चर देखकर अगर नोट्स बनाए, खाली कागज पे, खाली कागज पे मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का नाम लिखा, लेसन नंबर 1 फॉर सीईटी मोशन इन अ प्लेन, और उसके नीचे उसके सारे फॉर्मूले लिखे, यही फॉर्मूले कम से कम दो बार, वो बच्चा एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे फॉर्मूले स्ट्राइक हो जाएंगे। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर आपने सारे फॉर्मूले पूरे 24 चैप्टर के अगर आपने पढ़ लिए, आपका सीईटी क्रैक होना ही होना है, आपको फिजिक्स में तो बहुत ही अच्छा परसेंटेज मिलेगा, ऐसी ही मेहनत आपको केमिस्ट्री में और मैथ्स में, या फिर आपका अगर बायो है तो बायो में आपको करनी है सेम टू सेम। तो फिजिक्स में हाईएस्ट परसेंटाइल आप ला सकते हैं, आपको सिर्फ उतना ही करना है जितना मैं बोल रहा हूं, आप लोग ये फॉर्मूले को बार बार रटिए, बिकॉज सीईटी में 80-90% क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की, कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, यही तो अच्छी बात है सीईटी की। और सीईटी से भी एक से एक जबरदस्त कॉलेज मिलते हैं, एक से एक जबरदस्त कॉलेज, ठीक है। तो प्लीज प्लीज सभी लोग इसको याद रख लेंगे, न्यूटन की काइनेमेटिकल इक्वेशंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लिसन, वर्टिकल वन डायमेंशनल मोशन। अब भैया अगर एक पत्थर लिया, उसे छोड़ दिया, तो वो फाइनल उसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी देर में कितना नीचे गिरेगा, उस बंदे को ऐसा नीचे फेंक दिया, मतलब छोड़ा नहीं फेंका, मतलब शुरुआत में कुछ स्पीड देगी दे दी और फेंका, तो भैया फिर वो कितनी स्पीड हो जाएगी उसके कुछ देर बाद, अरे कुछ देर के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, ये सारे के सारे फॉर्मूले यहां लिखे हुए हैं। तो ये वन डायमेंशनल मोशन का है, वन डायमेंशनल मोशन ऊपर से नीचे वाला वर्टिकल, अरे ये तो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल मोशन था। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि ये जो चीज हमने पढ़ी, इट वाज हॉरिजॉन्टल मोशन, ये था हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन बोले तो
अरे भैया कोई चीज ऐसे चल के जा रही है रोड पे, हॉरिजॉन्टल चल रही है ना बे, और कोई चीज दीवार पे चल रही है, दैट इज वर्टिकल। अरे मतलब मान लो कि दीवार पे से कोई स्लिप हो रहा है, दैट्स अ वर्टिकल मोशन, ठीक है। सो लाइक दैट, तो शिपकली चल रही है, दैट्स अ वर्टिकल मोशन। एनीवे पत्थर गिर रहा है, दैट्स अ वर्टिकल मोशन, समझ गए। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये वर्टिकल मोशन है। सो वर्टिकल मोशन, दिस इज वर्टिकल मोशन, समझ में आया बच्चा। सो वर्टिकल मोशन। सो अब देखो अकल से सोचो, ये कुछ ज्यादा तुम्हें हार्ड लग रहा है। देखो इधर देखो, फटाक से देखो कितना बचकाना है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी तो रहता ही है। अबे अब मैंने पत्थर को नीचे फेंका कुछ स्पीड से, तो उसकी शुरू की स्पीड u ही रहेगी, लेकिन वो पत्थर नीचे अगर जा रहा है, नीचे अगर जा रहा है तो ग्रेविटी उसका साथ देगी, तो प्लस जी टी आएगा। लेकिन अगर पत्थर को मैंने ऐसा ऊपर उछाला तो ग्रेविटी उसके खिलाफ हो जाएगी। तो इसी बंदे के दो स्पेशल केस ये हैं। अरे कितना सिंपल है, असली बंदा तो यही है ना, इस बात को याद रखो। देखो बच्चे ना यहां पे कंफ्यूज होते हैं, सर नीचे रहेगा तो माइनस लेने का, ऊपर रहेगा तो प्लस लेने का। अबे गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है, ये बहुत ही वाहियात चीज है। फिजिक्स नीचे ऊपर से डिपेंड नहीं करता, फिजिक्स को इससे कोई मतलब नहीं है आप कहां जा रहे हो। अरे बाहर में जा रही है कोई चीज, याद रखना अगर स्पीड नीचे है और ग्रेविटी नीचे है तो ग्रेविटी आपको सपोर्ट करेगी, तो प्लस जीटी लेना। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो ग्रेविटी आपके खिलाफ हो जाएगी, तो माइनस जीटी लेना, माइनस जी, एक्सीलरेशन विल बी माइनस जी, समझ में आया। एक्सीलरेशन की जगह पे माइनस जी डाल देना तो माइनस जीटी आ जाएगा, समझ गए। अगर मान लो कि दुनिया में कहीं और किसी और प्लैनेट पे चले गए, वहां पे ग्रेविटी ऐसी है, ऐसी नहीं है, ऐसी है, तो अगर तुम ऐसा चलोगे तो प्लस जीटी लेना, और अगर तुम ऐसा चलोगे तो माइनस जीटी लेना। तो याद रखो, देखो सबसे आसान तरीका ये सबसे बेस्ट है कि जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो प्लस आएगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, माइनस आएगा, समझ में आया। प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस, माइनस, 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 प्लस, प्लस, समझ गए, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। तो v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस gt, v इक्वल्स टू u माइनस gt, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद में ये देखो, अब ये जो बंदा है इसमें हो क्या रहा है, पत्थर जा रहा है ऊपर, तो ऊपर जाएगा भैया तो ग्रेविटी उसके खिलाफ हो जाएगी, तो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। और अगर मतलब नीचे आ रहा है, मतलब ग्रेविटी नीचे और वो भी नीचे आ रहा है, तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ये कौन सी इक्वेशन का स्पेशल केस है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का स्पेशल केस है। अरे भैया समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी लोग यार, ओके। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका स्पेशल केस है लाइक दैट। फिर वैसे वो, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, वैसा उसका भी देख लेना आप लोग, वो आप लोग लिख लेना यहां पे, ठीक है। चलो अब बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। तो मान लो कि आपको ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उस ग्राफ में मतलब कुछ तो एक कर्व बना हुआ है। तो मान लो एक ऐसा कर्व बना हुआ है, अरे कर्व एक तो सीधी लाइन भी हो सकती है, या तो वो ऐसा भी हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है, अरे जैसा भी हो यार, उसके नीचे कुछ एरिया है कि नहीं, उसके नीचे कुछ एरिया है ना, यस ऑफ कोर्स। अगर मैं इसे बंद करूं तो पूरा ट्राइंगल बन रहा है भाई, तो इसके नीचे एरिया है। तो जो एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व वीटी ग्राफ का, वो होता है डिस्प्लेसमेंट, याद रखना, बहुत अच्छी ट्रिक है। सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछेंगे, हाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछेंगे। अरे भैया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पूछेंगे, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर द कर्व। बहुत ही बचकाना है, बहुत ही प्यारा है। अरे क्या तुम इसका एरिया नहीं निकाल लोगे बेटा, आराम से निकाल लोगे ना। अरे यहाँ पे अगर तुमको दे दिया, मान लो इधर जीरो लिख दिया ओरिजिन पे, यहाँ 10 लिख दिया और यहाँ मान लो 20 लिख दिया, अबे तो इसका एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा रे बाबा। सो अगर पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एरिया, और एरिया इसका होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और भैया बेस कितना है इसका, तो बेस है 10, अबे बेस 10 है ना बे 10, और हाइट कितनी है 20 है, तो यहां से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 10,
10 × 10 100 हो जाएगा, तो 100 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। अरे कितना बचकाना यार जिंदगी में, और क्या चाहिए तुम्हें, इतना डिटेल में सिखा रहा हूँ बेटा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है प्लीज, तो अभी के अभी इसको लाइक करिए, एंड बेटा प्लीज जल्दी फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अरे आप लोग उसको देखते हो ना इतने डिटेल वीडियोज को, तो मजा आता है पढ़ाने में, बहुत मजा आता है। अरे अगर आप मेरे सामने होते ना, तो यही चीज को, इसी चैप्टर को मैं 25 से 30 घंटा लेके पढ़ाता, लेकिन यूट्यूब पर इतना टाइम होता नहीं है। 25 से 30 घंटा डिटेल में लेके आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए एब्जॉर्ब करवा देता, बट कोई बात नहीं, यहां भी हम जितना सीख रहे हैं उतना बहुत है, सीईटी के लिए बहुत है। तो आगे जाके फ्यूचर में अगर इस सीईटी बैच सक्सेसफुल होता है, अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं, तो आप लोग को नीट और जेडब्ल्यू की भी तैयारी करवाऊंगा, सो डोंट वरी। तो पहला ये हमारा ट्रायल बैच है, तरीके से मान लो, देखते हैं कि कैसा इसको रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आप लोग हमें प्यार देते हैं, तो मैं जरूर आपके लिए मेहनत करके और भी वीडियोज लेके आऊंगा, एक से एक लेक्चर्स लेके आऊंगा। सो लिसन, बहुत ही बचकाना था, आइंदा से याद रखना, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात चलेगी, तो एरिया अंडर द कर्व होगा डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही मान लो आपको ग्राफ दे दिया गया, प्यारा प्यारा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का फिर से दे दिया गया ग्राफ, और इसमें मान लो ग्राफ में वापस से ऐसे ही शेप बना देते हैं, और अब आपको पूछा गया एक्सीलरेशन निकालो। तो याद रखना बेटा कि एक्सीलरेशन होता है स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। सो एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ, वैसे ही एक्सीलरेशन होता है स्लोप ऑफ कर्व ऑफ वीटी ग्राफ। सो वीटी ग्राफ पे जो कर्व बना हुआ है, उसका जो स्लोप होगा वही होगा एक्सीलरेशन। जैसे कि मान लो सुनो, तुम लोगों को है ना ऐसे कुछ पॉइंट्स दे देगा, ध्यान से सुनना, बहुत ही मस्त है। तो मान लो यहां एक पॉइंट दिया और यहां एक पॉइंट दिया, ऐसा दो पॉइंट दे दिया गया। अभी ये जो पॉइंट्स हैं इसके सामने कुछ वैल्यूज लिखी होंगी, वैसे इस पॉइंट के सामने कुछ वैल्यूज लिखी होंगी। मान लो यहां लिखा हुआ है 8 सेकेंड, यहां लिखा हुआ है 4 सेकेंड, यहां लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, यहां लिखा हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से कुछ चीज लिखी हुई है आपके सामने। अब स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, तो सुनो, एक्सीलरेशन ही हमारा स्लोप है। एक्सीलरेशन क्या है बेटा, स्लोप है। सो एक्सीलरेशन इज नथिंग बट स्लोप, और स्लोप होता है y2 - y1 / x2 - x1। अरे तो भैया y एक्सिस पर वेलोसिटी रखी हुई है, तो वेलोसिटी 2 - वेलोसिटी 1 अपॉन, और एक्स एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, टाइम रखा हुआ है, सो t2 - t1। अरे ये फॉर्मूला जिंदगी भर के लिए याद कर लो भैया, ये तो हमेशा काम आएगा बेटा, हमेशा काम आएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्लोप होती है y की वैल्यूज को माइनस करो, दो वैल्यूज को माइनस करो और डिवाइड कर दो x की वैल्यूज से। सो y की वैल्यूज को x की वैल्यूज से माइनस करना है, समझ में आ रहा है बेटा, तो प्लीज याद रखना, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये दो जो वैल्यूज हैं, ये है 4 और 2, और नीचे जो वैल्यूज हैं वो है 8 और 4। तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 4, ये हो गया 1/2 m/s², यही एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.5 m/s² या फिर 1/2 m/s². आई होप के सभी की खोपड़ी में बातें घुस चुकी है। सो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, रुकिए थोड़ा खूबसूरत तरीके से लिख देता हूं। सो इट इज वॉट, 0.5 m/s², दैट्स इट। अरे भैया समझे कि नहीं समझे, अकल के पुतलो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अकल के पुतलो, समझ पा रहे हो कि नहीं? सो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अरे पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अरे बाबा डरो मत, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, सो डोंट वरी। इससे पहले कि ये लिखा हुआ अपने आप ही अदृश्य हो जाए और मिट जाए, इसे हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा सेव कर लेंगे यार, सेव कर लेने से थोड़ा सा दिल को अच्छा लगता है, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं, इसका नाम क्या भैया, सो L1 MHT CET। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अपने हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, राइट। तो वैसे ही हम लोग इतिहास रचेंगे, जैसे ही सृष्टि रची गई, बनाई गई, वैसे ही इस बैच के थ्रू हम लोग सीईटी में इतिहास रचेंगे, ठीक है। मोशन इन प्लेन ऐसा करके शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ओके, ताकि ये चीजें मिट ना जाए। तो प्लीज सारे के सारे विद्यार्थी
बातों का ध्यान रखें, चीजों को समझें, हमें इतिहास रचना है। आपने भले कोई भी बैच ज्वाइन किया हो फिजिक्स का, अरे भैया पढ़ो, ज्ञान इनफाइनाइट है, जहां से भी मिल रहा है ले लो। फुनसुक वांगड़ू ने, जो कि पहले रणछोड़ दास था, थ्री इडियट्स, यही बात कही थी ना, ज्ञान हर जगह बट रहा है भैया ले लो। तो पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन ये जरूर देखिएगा यहां पे आपको बहुत डिटेल में चीजें सीखने मिलेंगी। तो भैया स्लोप निकालना कोई बड़ी बात है? तो जब भी एक्सेलरेशन पूछेंगे, वीटी ग्राफ दिया होगा, तो भैया स्लोप निकाल लो, स्लोप ही एक्सेलरेशन है। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, वीटी ग्राफ दिया होगा, एरिया निकाल लो, एरिया ही डिस्प्लेसमेंट है। समझ गए? तो वही बात यहां पे लिखी हुई है। ओके, अब रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी बहुत ही बचकानी है, लेकिन लिसन, मुझे यहां पर थोड़ा सा, हाँ ये सिंबल थोड़ा गलत है, सिंबल सही कर दूं मैं, इसका सिंबल बराबर यूज नहीं किया गया है। ये आएगा वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो होता है वी ए माइनस वी बी। तो अगर मैं पूछ लूं, आपको कह दूं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोफेसर भैया विद रिस्पेक्ट टू डायनासोर, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोफेसर भैया माइनस वेलोसिटी ऑफ डायनासोर। तो कभी भी ऐसे करके याद रखिए, बहुत ही बचकाना रहता है, दैट इज डैम इजी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, डायनासोर से याद आया, मैंने डायनासोर की जो सीरीज बनाई हुई है, 1-1 मिनट के 4 वीडियोज बनाए हुए, बहुत ही जबरदस्त, एक बार देखिए आपको मजा आएगा। सबसे पहले वीडियोज मेरे वही थे, तो डायनासोर की सीरीज है, एक बार देख लेना, एक एक मिनट की, चार वीडियोज है, एक एक मिनट के, उसमें डायनासोर के सामने भाग रहा हूं, ठीक है। ओके, एनीवे, अभी रिलेटिव वेलोसिटी क्या नाटक है, क्या चक्कर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आखिर है क्या चीज है? तो चलो मैं यहां पे तुमको डिटेल में बताता हूं। तो बेटा बहुत ही ध्यान से सुनना कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी, बच्चा एक बात बताइए कि मान लो कि एक बस है, अब ये बस इस तरफ चल रही है, यहां पर एक पुलिस वाला खड़ा है, उसको लगा बस तेजी से चल रही है, तो उसने अपनी एक लेजर गन टाइप की थी उसकी तरफ, एक्चुअली वो डॉपलर इफेक्ट से बनी होती है, डॉपलर गन, तो डॉपलर गन को उसने क्या किया, इसकी तरफ, इस पे फायर किया, और जो डॉपलर इफेक्ट से वैल्यू आई उसको आया कि ये बस चल रही है 80 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। तो ये बस की स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ बस है ये। लेकिन लिसन, ये स्पीड बस की जो 80 आई है, ये किसके हिसाब से आई है? पुलिस वाले के हिसाब से। तो ये पुलिस वाला है, एक कैप पहना हुआ है, मान लो इसको पहचानेंगे हम लोग कैप से, तो पुलिस वाले के हिसाब से इसकी स्पीड आई। अच्छा, पुलिस वाला कहां खड़ा है? जमीन पे खड़ा है, तो ये स्पीड जमीन के हिसाब से, तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, अगर कुछ नहीं भी लिखा है तो समझ जाने का ग्राउंड के हिसाब से बात चल रही है। अगर कुछ नहीं लिखा है वहां पे, सेकंड कुछ नहीं लिखा है, तो समझ जाना ग्राउंड के हिसाब से बात चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बस। लेकिन अगर कोई बाजू में उसके एक बाइकर है, अरे कोई भैया बाइक पे बैठ के आया, है ना, तो यहां पर कोई बाइक पर बैठ के आया, अब बाइक पे बैठा हुआ बंदा, उसकी स्पीड जब पुलिस ने देखी तो उसकी स्पीड आ रही है 20 मीटर पर सेकंड है। अब ये धूमे के मजाक है, तो बहुत ही धीरे चला रहे, गलत गलत, कभी जिंदगी में सोच भी मत लेना कि ये बहुत कम है। अबे ये मीटर पर सेकंड में लिखा है, ये मैंने किलोमीटर पर आवर में नहीं लिखा है, 20 मीटर पर सेकंड बहुत ही भयानक स्पीड है, 20 मीटर पर सेकंड बहुत ही भयानक स्पीड है, तुम्हारे बाजू से करके उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, इट्स वेरी फास्ट। बट एनीवे, अरे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है यार, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बाइक। अरे यार, बी फॉर बस, बी फॉर बाइक, कुछ और ही कह देता, चलो स्कूटी है, स्कूटी, स्कूटी, तो स्कूटी पे बैठा है बंदा, स्कूटी पे, तो स्कूटी पे जो उसकी स्पीड है अकॉर्डिंग टू पुलिस वो आ रही है 20 मीटर पर सेकंड, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्कूटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी ग्राउंड है, समझ लेने का। अब अगर किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि भैया वो तो ठीक है कि इसकी स्पीड इसके हिसाब से 80 है, इसकी स्पीड इसके हिसाब से 20 है, अबे लेकिन उसकी स्पीड इसके हिसाब से क्या है? अरे उसकी स्पीड इसके हिसाब से 80, इसकी स्पीड इसके हिसाब से 20, लेकिन उसकी स्पीड इसके हिसाब से क्या है? तो भैया वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू स्कूटी इज नथिंग बट
वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ स्कूटी, और क्योंकि दोनों एक ही लाइन में हैं तो डायरेक्टली वेक्टर्स हटा देंगे, वेक्टर्स की कोई जरूरत नहीं। अगर चीजें एक लाइन में हो रही हैं तो वेक्टर की जरूरत नहीं है, वेक्टर की जरूरत तब पड़ती है जब चीजें एक लाइन में नहीं होती है। तो लिसन, तो यहां पर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 80 - 20, तो इसे दिखेगा 60 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज द आंसर। सो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू स्कूटी इज वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ स्कूटी, समझ गए? तो 80 - 20 = 60। अबे अकल के पुतलो कितना इजी है यार। अरे अरे भैया, सामने कोई बस जा रही है 80 की स्पीड से, मैं इधर खड़ा हूं तो जमीन पे खड़ा हूं तो 80 ठीक है ना, लेकिन अगर मैं बाइक चलाने लगूं 20 की स्पीड से तो फिर थोड़ी ना 80 दिखेगा मुझे, फिर तो मुझे कम दिखेगा ना, तो कितना दिखेगा? उसकी स्पीड माइनस मेरी स्पीड, इतना मुझे दिखेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मी विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेसर भैया इज 80 - 20 विच इज 60। तो आई होप कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का एक आइडिया आ गया, ठीक है? चलो आगे बढ़े, फाइन। तो ये था अपना रिलेटिव वेलोसिटी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो प्रोजेक्टाइल मोशन जो रहता है, टू डायमेंशनल मोशन रहता है। सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझेंगे। सो लेट्स गो फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। सो यहां पर अब हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो यहां पर मेरे पास है ऐसा वाई एक्सिस, ठीक है, और फिर एक्स एक्सिस। अब अगर मैंने एक गोली को शूट किया, गोली शूट की यहां से, शिट, तो गोली यहां से शूट की, ठीक है, गोली की कुछ तो स्पीड होगी, वो जो इनिशियल स्पीड है गोली की उसे मैं कह रहा हूं यू। क्या कह रहा हूं? यू कह रहा हूं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। अब इस इनिशियल वेलोसिटी के दो टुकड़े होंगे, ध्यान से सुनना, इसके हम करेंगे दो टुकड़े। एक टुकड़ा होगा इधर, ठीक है, और क्या हो रहा है बे, इसका ओरिएंटेशन कैसे चेंज होगा, हटाओ इसको वापस से। सो एक टुकड़ा है इधर और एक टुकड़ा है इधर, ठीक है। अरे भैया, कोई चीज अगर तिरछी जा रही है, ऐसे जा रही है, तो उसका कुछ हिस्सा इधर आगे चल रहा है, कुछ हिस्सा ऊपर जा रहा है ना। अबे तुम ऊपर और आगे दोनों जा रहे हो ना बे, तुम ऊपर और आगे दोनों जा रहे हो, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। तो बेसिकली बहुत ही ध्यान से सुनिए, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनिए प्लीज। तो अब जो गोली है जो हमने फायर की वो कुछ इस प्रकार, ये क्या हुआ बे, वो कुछ इस प्रकार आगे बढ़ रही है। किस प्रकार? इस प्रकार ऐसे जाने वाली है ना, इसको थोड़ा अच्छा सा बड़ा बना देता हूं। सो ऐसे जाने वाली गोली, सो गोली इस तरीके से जाने वाली है एक पैराबोला में, ठीक है। अबे मैं गिर जाऊंगा, अबे क्या हो रहा है। सो लिसन वेरी केयरफुली, तो गोली जा रही है पैराबोला में, ठीक है। अच्छा, शुरुआत में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम है थीटा। ये जो शुरुआत की स्पीड है ये है यू, और इसका जो टुकड़ा है एक्स में उसे कहते हैं यू एक्स, और जो टुकड़ा है वाई में इसे कहते हैं यू वाई। अब इसे मैं यू कॉस थीटा भी कह सकता हूं, क्योंकि तुम्हें ये बात मालूम है बेटा कि कोई भी वेक्टर को जब हम तोड़ते हैं दो हिस्सों में, एक्स और वाई, और अगर थीटा यहां लिखा हुआ है तो थीटा के बाजू वाला बंदा यू कॉस थीटा होता है, और जहां थीटा नहीं है तो उसके बाजू वाला बंदा यू साइन थीटा होता है। तो ये यू साइन थीटा है, ये यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा। तो अभी दोनों की वैल्यू आपको मालूम पड़ चुकी है, ठीक है, u cos थीटा, u sin थीटा, समझे कि नहीं बेटा? दिस इज u cos थीटा, दैट इज u sin थीटा। अब इसके आगे हम और क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, लिसन वेरी केयरफुल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब जो भी आप ये देखो किधर गया अपने पास, ये देखो, ये आपके पास जो स्पीड है ये u cos थीटा है, लेकिन ये जो स्पीड है y में ये कुछ और है, फाइनल स्पीड, ये हो गई इनिशियल स्पीड। अरे शुरुआत में स्पीड तुम्हारी यू साइन थीटा,
शुरुआत में थी स्पीड तुम्हारी यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा। लेकिन जब मैं फाइनल स्पीड की बात करूंगा, फाइनल स्पीड की, तो जब मैं वी एक्स की बात करूंगा तो वी एक्स मेरा यू एक्स के बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, 400 साल पहले गैलीलियो ने दुनिया को बताई है, गैलीलियो ने, और ये बात इससे पहले के लोग नहीं जानते थे। बहुत ध्यान से सुनो, अगर एक पत्थर को ऐसे फेंका गया या एक गोली ऐसे मारी गई तो उसकी ये स्पीड कभी नहीं बदलती, शुरू से आखिर तक वही रहती है, और ये स्पीड बदलती है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में एक फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इस स्पीड को बदलेगी, इस स्पीड को वाई की स्पीड पे अफेक्ट करेगी, वाई की स्पीड को अपोज करेगी, लेकिन वो जो ये स्पीड है एक्स स्पीड, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो एक्स की स्पीड जो है वही रहती है, तो शुरू से आखिर तक सेम स्पीड है, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम है। लेकिन अगर मैं बात करूं वाई डायरेक्शन में तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इट विल बी यू वाई माइनस जी टी। तो वी एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा और वी वाई हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो भैया जो फाइनल स्पीड है, आपने ऊपर पार्टिकल को फेंका है, ऊपर फेंका है पार्टिकल को, ऐसा मतलब ऐसे क्रॉस में फेंका है, तो ये वाली स्पीड हमेशा फिक्स रहेगी आखिर तक, लेकिन ये स्पीड के खिलाफ ग्रेविटी काम करेगी, तो ये यू साइन थीटा में से ग्रेविटी घटती चली जाएगी। ठीक है, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये बंदा कितनी देर लगाता है ऊपर जाने में। ऊपर जाने में कुछ तो देर लगेगी, सुनिए ध्यान से। तो ऊपर जाने में कितनी देर लगेगी, नीचे जाने में कितनी देर लगेगी, वो हम लोग अभी समझेंगे। तो इस मोशन को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो अब बेटा बहुत ही ध्यान से देखो, एक सेकेंड। तो ऊपर जाने का टाइम, इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और नीचे आने के टाइम कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, और ये दोनों टाइम बिल्कुल इक्वल होते हैं। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बिल्कुल बराबर होते हैं, और इनकी वैल्यू सिर्फ होती है यू साइन थीटा बाय जी। हमेशा के लिए इसे रट लीजिए, यू साइन थीटा बाय जी। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम है। लेकिन अगर मैं पूरा टाइम देखना चाहूं, पूरा टाइम, कंप्लीट टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम, जिसे हम लोग प्यार से टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं, तो वो टाइम होता है t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। क्यों? अरे क्योंकि ऊपर चढ़ने का टाइम u साइन थीटा बाई जी, नीचे उतरने का टाइम u साइन थीटा बाई जी, तो मिला के टाइम 2u साइन थीटा बाई जी। समझ गए? ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अब ये जो ऊंचाई है इसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, h मैक्स। सबसे टॉप तक जाने का जो हाइट है ना, जो हाइट मोशन में जो आने वाली, उसका फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अरे इट्स डैम इजी यार, इट्स डैम इजी, बहुत ही मस्त है, खूब सोपा आहे रे बाबा। सो इसको याद करिए प्लीज, h max इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, अब ये जो लंबाई है, जो रेंज है, अरे भैया यहां से वहां तक तुम इतना दूर गए, पूरा यहां से लेके पूरा चल के तुम वहां तक गए, इतना दूर तक गए, तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला हो गया। यहां से वहां तक की पूरी दूरी को कहते हैं रेंज। ठीक है, सो रेंज, सो रेंज है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब ऊपर जाना, और ये है टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का टाइम। ठीक है, ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी हो गया, रेंज भी हो गया, और मैक्सिमम हाइट भी हो गया। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल बोले तो जो भी चीज उछाली गई ना, चाहे पत्थर हो चाहे गोली हो, उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अच्छा रेंज और हाइट में भी एक रिश्ता है।
तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? टैन थीटा इज 4H मैक्स अपॉन आर। सो जो भी हाइट की वैल्यू है उसका चार गुना कर दो, डिवाइड बाय रेंज कर दो, टैन थीटा आ जाएगा। तो ये रिश्ता इनका आपस में, सो टैन थीटा इज 4H मैक्स बाय आर। आई होप के सभी को समझ में आ रहा है। अरे करता है कि नहीं रे तुम्हाला? करता है ना बाबा, डोक्यात घुसल कि नहीं रे बाबा? ओके अच्छा, ये जो पैराबोला में चल रहा है, तो इस पैराबोले की इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्टाइल। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन से सबसे ऊपर लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी बोले तो वो रास्ता, वो डिजाइन, रास्ते का डिजाइन। तो ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट इज y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो इसको हमेशा हमेशा के लिए रट लेंगे, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है, इन्वर्टेड पैराबोला एंड शिफ्टेड टू द राइट पैराबोला, ठीक है। बट एनीवे इतना डिटेल में मत जाओ। सो x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत ही जबरदस्त इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इतनी सारी चीजें हम लोग ने लिख ली है, ठीक है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात यह है, रेंज फॉर एन एंगल इज सेम एज रेंज फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले तो बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले तो, अरे भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है बच्चा? सो रेंज फॉर 30 डिग्री इज सेम एज फॉर 60 डिग्री, रेंज फॉर 20 डिग्री इज सेम एज फॉर 80 डिग्री, ओ सॉरी 80 नहीं रे बाबा 70 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो, कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो टोटल एंगल 90 आना चाहिए। अबे मतलब अगर तुमने पत्थर को, अरे एक एंगल है ना, अलग अलग एंगल पे पत्थर उछाल सकते हो, ये हो गया 30 का एंगल बराबर, ये हो गया 45 का एंगल, ये हो गया 60 का एंगल, ये हो गया 90 का एंगल, ये हो गया, मतलब अलग अलग एंगल है, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि चाहे 30 पे उछालो तो भी पत्थर उधर ही गिरेगा, चाहे 60 पे उछालो तो भी पत्थर उधर ही गिरेगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं कि रेंज दोनों में सेम आती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज सेम आती है, ठीक है। तो चाहे तुम 20 पे उछालो तो भी इधर गिरेगा, 80 पे उछालो तो भी इधर गिरेगा। अबे समझ गए कि नहीं समझ गए? तो उसको बोलते हैं रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। आई होप के सभी की खोपड़ी में बातें घुस चुकी है। रुको ट्राई करता हूं इस चीज को उसके साथ में रखने की। इसे उठाते हैं, यहां लेके आते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं और यहां ही रखते हैं, ठीक है, बस ताकि एक साथ चीजें रहें। तो रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेम है, तो 30 की रेंज 60 के बराबर है, 20 की रेंज 70 के बराबर है। अब बताओ 10 की रेंज किसके बराबर रहेगी? सो अगर 10 डिग्री फेंका तो उसकी रेंज किसके बराबर रहेगी, ठीक है। अच्छा हाईएस्ट रेंज कहां पे रहेगी? तो वो पॉइंट भी मैं यहां लिख देता हूं, लॉन्गेस्ट रेंज या लार्जेस्ट रेंज, लार्जेस्ट रेंज इज फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो 45 डिग्री एकमात्र ऐसा एंगल है जिसपे फेंकने पर सबसे दूर जाएगा पत्थर, और इट मेक सेंस, ये सेंस भी बना रहा है, बिकॉज 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही है, क्योंकि टोटल मिला के 90 होना चाहिए, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री है 45, दैट्स इट। सो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही। अब आपके सभी की खोपड़ी में बातें घुस रही हैं, चलिए आगे बढ़े। तो ये सारी कहानियां प्रोजेक्टाइल मोशन की जो यहां लिखी गई हैं, यही सब कुछ डिटेल में मैंने वहां लिखा है। अच्छा अब एक और चीज, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले। तो टोटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ एक्स की वेलोसिटी का स्क्वायर और वाई की वेलोसिटी का स्क्वायर, बिकॉज जो वेलोसिटी जो भी बन रही है वो एक्स और वाई दोनों से बन रही है, ठीक है। तो ऐसे छोटी मोटी चीजें और भी याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले फॉर्मूले पे आते हैं। अरे हाँ के ना भाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 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 फॉर्मूले कितने हैं यार, बेसबर हो रहे हैं सर, प्लीज 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 जल्दी जल्दी हम लोग को एमसीक्यूज करवा रहे। बेटा थोड़ा सबर करो, सबर का फल मीठा होता है यार, कम ऑन, सबर का फल मीठा होता है, कब से बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये सारी बातें। चलिए तो लिसन वेरी केयरफुली, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पोजिशन एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय। तो सुनिए ये क्या बोल रहा है मालूम है, ऐसा मान लो कि ये आपका ग्राफ है जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो यहां कहीं अगर कोई बंदा है तो उसका जो प्रोजेक्शन वेक्टर बनेगा r, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो भैया r तो यही होगा ना, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अरे क्योंकि ये r के दो टुकड़े बन सकते हैं, इधर थोड़ा x और इधर थोड़ा सा y टुकड़ा, समझ गया, x टुकड़ा y टुकड़ा। तो r कुछ और नहीं है बल्कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, समझ गए कि नहीं समझ गए? सो बहुत ही सिंपल सी चीज थी ये। सो यहां पर है x, यहां पर है y। थैंक यू अब्दुल रफ। तो भाई पानी वानी पी लेते हैं यार, बहुत देर हो गई। ओके सो लिसन वेरी केयरफुली, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग देख चुके हैं 2u sin θ/g, मैक्सिमम हाइट देख चुके हैं u² sin²θ/2g, हॉरिजॉन्टल रेंज देख चुके हैं u² sin²θ/g, हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम फॉर θ = 45, ये भी देख चुके हैं, ये सारी चीजें देख चुके हैं, ठीक है। ये सब अभी जाने दीजिए, ये सब है ना स्पेशल केस है जो यहीं से आ जाएगा। अरे ये सब की जो वैल्यू आ रही है, अरे यहीं से आ जाएगा ना भाई। अगर तुमने 45 डाल दिया इधर तो 2 × 45 कितना होगा, 90 होगा। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो हट जाएगा ना वो। अबे तो खाली इतना एक्स्ट्रा सब रटो मत, कुछ मेन फॉर्मूले रटो, वो ऑटोमेटिकली आएगा। एंगल की वैल्यू डालोगे, साइन की वैल्यू तुम्हें मालूम है। जिन बच्चों को साइन कॉस टैन की वैल्यूज नहीं पता है, प्लीज 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 रट लो यार, बेसिक चीज है। साइन कॉस टैन, साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, फिर साइन 60 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है। अरे इतना सा रट लोगे तो टैन भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा टैन? अरे भैया साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30 करोगे तो टैन 30 आ जाएगा, वैसे साइन 60 बाई कॉस 60 करोगे तो टैन 60 आ जाएगा। तो प्लीज एटलीस्ट इतना रट लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया था, अब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। सो सर्कुलर मोशन में टाइम दिया हुआ है, सो टाइम इज नथिंग बट 1/frequency, टाइम पीरियड इज 1/frequency, या फिर टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये चीज हमें पहले से पता है। फिर उसके बाद जो एंगुलर स्पीड है वो है 2π/T या 2πf, ये बात भी हमें पहले से पता है। तो ये सारी चीजें पहले से लिखी हुई हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। v = r ओमेगा, ये भी हमें मालूम है, v = r ओमेगा। फिर हमें ये भी मालूम है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल। तो इसके 3 फॉर्मूले हैं, एक v² / r, एक ω² r और एक ω × v, ठीक है, इस तरीके से। तो 3 फॉर्मूले याद रखना। अब सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, तो ये तीनों फॉर्मूले में m डाल दो, तो mv² / r फोर्स हो गया सेंट्रीपिटल, वैसे m ω² r भी सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, m ω v भी सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो वही चीजें यहां पे लिखी हुई है। फिर एक होता है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम बोले तो बेटा क्या होता है कोनिकल पेंडुलम? यहां पे आपके पास है धागा, ठीक है, धागा, इस पे लटक रहा है वजन, एक पत्थर लटक रहा है, इस पत्थर को ऐसे लेके गए और अगर छोड़ दिया तो ये ऐसे ही लेगा, खाली ऐसे ही लेगा, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अरे बन जाएगा क्या? बन जाएगा घंटा, ठीक है, घंटा बन जाएगा और ये ऐसे घूमेगा, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। लेकिन अगर इसे मैं साइड में लेके गया और धक्का मार दिया तो ये ऐसा घूमेगा, और जब ऐसा घूमेगा तो ये बन जाएगा कोनिकल पेंडुलम। अबे कौन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बे कौन दिख रहा है कि नहीं? अकल के पुतलो, कुछ लोगों को कुछ और ही दिख रहा है, डर्टी माइंड्स। बट एनीवे सो लिसन वेरी केयरफुली, कोनिकल पेंडुलम बोले तो अरे बहुत ही बचकानी चीज है। सो दैट इज अ कोनिकल पेंडुलम, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट। सो दैट्स अ कोनिकल पेंडुलम, गॉड डैम इट, कम ऑन। सो कोनिकल पेंडुलम बोले तो साइड में ऐसा लेके जाने का, उस पर लगा हुआ है एक पत्थर, उसको धक्का मार देने का, सो इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल। तो सर्कल में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा,
It will start moving in a circle like this. Correct. तो कुछ इस प्रकार एक कोनिकल पेंडुलम घूमते वक्त एक कोन बनाता है, तो घूमने का कुछ तो टाइम होगा, घूमने का कुछ तो टाइम होगा, कुछ तो टाइम लगता होगा ना घूमने के लिए, तो उसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। सो वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, जहां पे एल क्या बेटा, एल क्या है बच्चा, दिस इज द लेंथ, दिस इज द थीटा, थीटा को एक और नाम है सेमी वर्टिकल, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, क्या नाम है इसका, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, समझ में आ रहा है बच्चा, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, तो ये हो गया थीटा आपका। ओके तो ये हो गया। अच्छा यहां पर ये जो डिस्टेंस है इसे हम आर कहते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसे हम एच हाइट कहते हैं। ये आर हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हो गई लंबाई कोन, मतलब इसकी कोनिकल पेंडुलम की लंबाई और इसकी ऊंचाई हाइट। टेन थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी, ये याद रखना कि जो इसके घूमने की स्पीड है, घूमने की स्पीड का फॉर्मूला, इसकी जो घूमने की स्पीड है ना, घूमेगा ना ये, तो घूमने की स्पीड है इट इज आर जी अंडर रूट, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है, ये घूमने की स्पीड है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ओके ये याद रखना, बहुत ही सिंपल है। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ रहता है, ये तो आप सबको मालूम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से अवे रहता है, ठीक है ठीक है, ये सब चीजें हमें बचपन से पता है, और कुछ बचा है नहीं। चलिए आइए तो सवालों की ओर प्रस्थान करते हैं। वैसे तो सारे ही फॉर्मूले इसके अंदर कवर किए जा चुके हैं, सारे के सारे, बट सपोज अगर एक आध फॉर्मूला छूट गया होगा गलती से, तो वो फॉर्मूला आगे आने वाले सवालों में हम कवर कर लेंगे, डोंट वरी। तो जब सवाल हम करेंगे तो जो भी आता है कुछ फॉर्मूला हम देख लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसको साइड बाय साइड सेव करते चलते हैं, वरना पता चला टेंशन हो गया, तो इतना कुछ लिखा है कहीं गायब ना हो जाए, ठीक है। अरे भैया हो जाओ सेव यार, चलो आई होप के सब सेव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों की ओर प्रस्थान करते हैं। आई होप के सभी को सवाल नजर आ रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, सवाल सभी को दिख रहा है ना बेटा, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा सवाल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे अच्छे से। चलो तो पहला सवाल क्या है, एक व्हीकल है, गाड़ी है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है, चल रही है, व्हीकल इज मूविंग। अरे गाड़ी व्हीकल बोले तो कोई तो गाड़ी रे बाबा, तो व्हीकल इज मूविंग, व्हीकल मीन्स कार इज मूविंग, अरे कार बोले तो कार हो ट्रक हो बाइक हो कुछ भी हो, व्हीकल वाहन, वाहन 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो उसकी जो स्पीड है यू वो दी हुई है। अरे जो भी स्पीड तुम्हें दिखाई दे रही है शुरू में उसे यू कहते हैं, इनिशियल स्पीड कहते हैं, और ये कम्स टू रेस्ट है, बाद में आके रुक गया, यानी कि इसकी जो फाइनल स्पीड है वो जीरो है। अरे भैया पहले 15 की स्पीड से चल रहा है, बाद में आके रुक गया, तो फाइनल स्पीड क्या है रे बाबा, फाइनल स्पीड ये क्या हो रहा है भाई, पूंछ कहां से निकल रही है मेरे बालों में, क्या हो गया मेरे बालों को। एनीवे सो लिसन, रेस्ट पे आ रहा है बोले तो, अबे रुक रहे है भी, रुक रहे, तो फाइनल स्पीड जीरो है, इनिशियल स्पीड 15 है। अच्छा कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, आते वक्त चलते वक्त डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मीटर, और फिर ब्रेक लगाने पर, तो ब्रेक लगा रहा है वो। अगर यही व्हीकल 15 की बजाय 45 से मूव हो रहा होता तो एक अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है, तो इसको मान लो U1, इसको मान लो V1, इसको मान लो S1, ये दूसरी सिचुएशन है। तो अगर ये बंदा 15 के बजाय 45 पे चल रहा होता और वही ब्रेक लगाए जाते, उतनी ही ताकत से दबाए जाते, और वो वापस आके रुकता, तो कितना दूर जाता। अब तुम्हें ये मालूम है कि बंदा अगर स्लो चल रहा है और उसे ब्रेक दबाओ तो थोड़ा दूर जाके रुक जाता है, और कोई बंदा अगर तेज चल रहा है और ब्रेक दबाओ तो वो दूर जाके रुकता है। तो अब तुम तेज चल रहे हो, अबे 15 की स्पीड थी तो तुम 5 मीटर पे रुके, 45 की स्पीड है तो 5 में थोड़ी ना रुकोगे, अबे आगे जाके रुकोगे। तो आंसर
बड़ा आना चाहिए। अब कितने बच्चे क्या करेंगे मालूम है कि स्पीड 3 गुना बढ़ गई, 15 का 45 हो गया, अरे 15 3 45, तो सर 5 का 15 हो जाएगा और उसको मार्क कर देंगे। बिल्कुल गलत और वाहियात। डोंट अप्लाई कॉमन सेंस इन फिजिक्स। कॉमन सेंस इज कंप्लीट नॉनसेंस। फिजिक्स में कॉमन सेंस नॉनसेंस का काम करती है। फिजिक्स डज नॉट गो विद योर इंट्यूशन। तो फिजिक्स सर्टेन लॉज पे काम करता है, तो यूज द फॉर्मूला। मैथ्स पे विश्वास रखो अपने आप से भी ज्यादा, क्योंकि मैथ्स ही यूनिवर्स की भाषा है। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। ठीक है, सो लिसन वेरी केयरफुली कि अब करें क्या। अरे करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। सो लिसन वेरी केयरफुली, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें यू वी और एस दोनों आते हैं? तो हम यूज करेंगे न्यूटन्स थर्ड काइनेमैटिकल इक्वेशन। सो न्यूटन की जो तीसरी काइनेमैटिकल इक्वेशन है वो है वी स्क्वेयर इज यू स्क्वेयर प्लस 2AS। तो आ गया ना, U आ गया, V आ गया, S आ गया। तो लिसन, अब ये क्या बनेगा, ध्यान से देखना। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, अब ये U को इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 2AS। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑफ कोर्स बनेगा। अब S को लेफ्ट में रखो, 2A को नीचे लेके जाओ, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A हो जाएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। तो बेसिकली 2 कॉन्स्टेंट है, A कॉन्स्टेंट है। A कॉन्स्टेंट क्यों है? वही ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, वही ब्रेक है। ये ब्रेक सेम ब्रेक है ना, अब एक ही तो गाड़ी है, तो डिसीलरेशन कॉन्स्टेंट है। अरे तो भैया ध्यान से सुनेंगे, कॉन्स्टेंट सेंस सेम ब्रेक्स, ब्रेक सेम है रे बाबा, तो एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है। टू तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब ये अगर ना भी लिखे तो भी चलेगा। अच्छा, वेलोसिटी फाइनल वाली दोनों ही केस में जीरो दिए, इसमें भी जीरो इसमें भी जीरो, तो ना ही लिखे तो भी चलेगा। तो अब कहानी क्या बची, देयरफॉर रुको अलग कलर से लिखता हूं तो मजा आएगा। देयरफॉर एस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस यू स्क्वायर, बराबर है? अरे हाँ के ना रे बाबा, एस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस यू स्क्वायर। अरे बाबा ये जीरो हो गया, ये कॉन्स्टेंट हो गया, सब गया ना रे, तो एस प्रोपोर्शनल टू माइनस यू स्क्वायर। सो देयरफॉर एस टू अपॉन एस वन इज इक्वल टू U2 स्क्वायर अपॉन U1 स्क्वायर। देखो ध्यान से, S प्रोपोर्शनल टू माइनस U स्क्वायर, तो S2 लिखूंगा तो U2 लिखूंगा, S1 लिखूंगा तो U1 लिखूंगा, और माइनस माइनस तो लिखना ही है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर S2 इज इक्वल्स टू S1 इनटू U2 अपॉन U1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। अबे इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो गया। सो S2 यानी कि बाद का जो डिस्टेंस है जो हमें निकालना है, अरे भैया क्या निकालना है देखो ना यार, इट विल कम टू रेस्ट एट व्हाट डिस्टेंस, तो ये हमें निकालना है रे बाबा, S2 पता करना है, ठीक है, कि कितने डिस्टेंस पे आके वो रुकेगा। पहले कितने पे रुका था? 5 पे रुका था। बाद में स्पीड कितनी है? 45 है। पहले स्पीड कितनी है? 15 है स्क्वायर। तो यहां आ गया 15 3 45, 3 का हो गया स्क्वायर यानी कि 9, सो 5 × 9 ये आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। सो दैट इज द डिस्टेंस, सॉरी किलोमीटर पर आवर नहीं रे बाबा, सिर्फ किलोमीटर डिस्टेंस है ना, सॉरी किलोमीटर नहीं रे, मीटर है, मीटर मीटर दिया हुआ, मीटर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? सो 45 मीटर पे आके रुक जाएगा। अरे 5 मीटर पे रुका था ना रे पहले, अब 45 मीटर पे रुकेगा। तो एक इसमें क्या सीख आपको मिली, कि गलती से भी हमें कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करने का, कि सर पहले 15 की स्पीड से था, स्पीड को ट्रिपल किया 45 किया, तो जो पहले डिस्टेंस था 5 अब हो जाएगा 15। नहीं,
डिस्टेंस स्पीड के जैसा प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि स्पीड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। तो अगर 3 गुना स्पीड बढ़ी तो 9 गुना डिस्टेंस बढ़ेगा। यहीं पे दिमाग लगा लो, कुछ वो करने की जरूरत नहीं जो भी मैंने किया, इतना लंबा जो मैंने सॉल्व किया कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहीं दिमाग लगा लो कि अगर स्पीड 3 गुना बढ़ रही है तो डिस्टेंस 9 गुना बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड यहां पे डाल दूंगा 3 गुना तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो डिस्टेंस 9 गुना बढ़ेगा। सो 5 था 5 का 9 गुना कितना होगा, 9 5 45। दैट्स इट। आई होप कि सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें प्रवेश कर गई। यहां पर मैंने आप लोग के लिए एक सॉल्यूशन लिख के पहले से टाइप करके दिया हुआ है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, उसको सही करते हैं बेटा। जल्दबाजी में काम थोड़े थोड़े गलत हो जाते हैं। 4 नहीं है 45 मीटर है, ठीक है। चलिए एनीवे, तो ये भी ई का हुआ रे, हाँ इधर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, यहाँ पे भी सॉल्यूशन लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा, कबाब में हड्डी। ओके नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ध्यान दीजिए। तो एक मूविंग बॉडी है जो कि मतलब एक बॉडी चल रही है, एक चीज चल रही है बेटा, बोर नहीं होना है। तुम लोग को है ना फॉर्मूला पढ़ाओ ना तो मजा आता है, फॉर्मूला सुनोगे और थ्योरी पढ़ाओ, थ्योरी सुनते रहोगे दिन रात। जहां न्यूमेरिकल्स की एमसीक्यूज की बात चली वहीं तुम्हारा नाटक शुरू कि सर अभी मतलब हम लोग बहुत बोर होता है, न्यूमेरिकल्स में बोर होता है, कॉन्सेप्ट सब समझ में आता है, फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता है। अबे वही तो सीखना है, प्रैक्टिस से ही काम होगा। किसी को भी नहीं आता था, हम लोग को भी नहीं आता था, अरे हम लोग भी स्टूडेंट थे ना, तो सीखे बार बार प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस करते के, करते के, करते के, अरे किसी की भी बात कर लो दुनिया में यार, जितने भी लोग हैं प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़े हैं ना। बिना प्रैक्टिस किसी को आ जाएगा कि कोई पेट से सीख के आता है क्या, कोई अपनी मम्मी के पेट में से सीख के आता है, नहीं ना, इसी दुनिया में प्रैक्टिस करते हैं ना। तो करो ना, वही तो सिखा रहा हूं। तो प्रॉब्लम्स करते वक्त जो भी उठ के भागा बेटा, वो जिंदगी में हमेशा भागता रहेगा और उससे उसका करियर दूर भागता रहेगा। याद रखिए कि न्यूमेरिकल्स के टाइम पे स्पेसिफिकली, एमसीक्यूज के टाइम पे स्पेसिफिकली आपको बहुत ही डट के बैठना है, बहुत ही ध्यान से चीजें करनी है। और अच्छा तो ये होगा कि आप एक किताब, रफ किताब अपने हाथ में रखें और जैसी क्वेश्चन नजर आए इस क्वेश्चन को देख कर पहले खुद से आंसर निकालने की कोशिश करें और फिर बाद में मेरा सोल्यूशन देखें, ठीक है। तो बेटर तो ये होगा। चलिए, तो एक बॉडी मूव कर रही है और वो कवर कर रही है डिस्टेंस जो कि स्क्वायर ऑफ टाइम को प्रोपोर्शनल है। बहुत ही मस्त है, बॉडी चल रही है और डिस्टेंस कवर कर रही है। सो बॉडी चल रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है जो कि प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर को, स्क्वायर ऑफ टाइम, तो टाइम के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। तो एक्सीलरेशन बॉडी का क्या होगा, सो बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा, आइए जानते हैं। तो लिसन वेरी केयरफुली, अगर डिस्टेंस को प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर को, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर, तो बेसिकली क्या होगा, ध्यान से सुनिए। हाउ डू यू फाइंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, सुनो पहले तो क्या लिखा है, एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर लिखा है ना, तो इसको आसान भाषा में लिखो एस इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, जहां पे के क्या है, कॉन्स्टेंट है। अरे प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है, ये फिजिक्स का और मैथ्स का कानून है, ठीक है। तो एस इक्वल टू के टी स्क्वायर, तो अब एस की जगह पे डाल दो के टी स्क्वायर। देखो इतना बेसिक डेरिवेटिव, ये आना चाहिए सबको, सबको आना चाहिए डेरिवेटिव। अबे डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी होता है डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लिख दो के टी स्क्वायर। अब के को निकालो बाहर क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं आता है, उसको बाहर निकालो। तो यहां पर अब अंदर बच जाएगा आपके पास सिर्फ टी स्क्वायर, और याद रखना कि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ये जो ऊपर स्क्वायर है ना वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, अबे ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ऊपर से 2 में से एक घट जाएगा, तो 2 में से एक घट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा ना, तो सिर्फ टी रेस टू 1 बचेगा बस, और टी रेस टू 1 क्या खाली टी है, तो 2 के टी आ रहा है। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 2 के टी, लेकिन वेलोसिटी चाहिए क्या, नहीं, क्या चाहिए, एक्सीलरेशन। So, acceleration पे सवाल पूछा है, velocity पे नहीं। तो अब acceleration कैसे निकालेंगे, अरे तो भैया displacement था उसका डेरिवेटिव लिया तो वेलॉसिटी आया, अब वेलॉसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा, सो डीवी बाई डी टी, सो डी बाई डी टी ऑफ वेलॉसिटी की जगह पे डाल देंगे 2kt। देखो ध्यान से वेलॉसिटी क्या है, 2kt डाल दिया। अब 2 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं निकलता, बाहर आ जाएगा,
के का डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी हो जाएगा, और लिसन डी टी बाई डी टी डायरेक्टली वन है, कुछ है ही नहीं, सो इट इज टू के, सो एक्सेलरेशन इज टू के. अब के भी कॉन्स्टेंट है, टू भी कॉन्स्टेंट है, सो एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट. एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है बट जीरो नहीं है, सही बात है ना. अरे भैया कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू जीरो थोड़ी ना यार, कॉन्स्टेंट इट इज नॉट जीरो, ठीक है, कुछ तो वैल्यू है ना, टू के वैल्यू है. ओके तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखो यहां पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन पे आते हैं. तो एक बॉडी है जो कि रिवॉल्व कर रही है वर्टिकल सर्कल में, वर्टिकल सर्कल में, जिसका रेडियस है आर. अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया और इसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो इस फॉर्मूले को हम यहां पे लिख देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही इस फॉर्मूले को लिखेंगे. तो मैं यहां पर स्लाइड ऐड कर रहा हूं, ठीक है. स्लाइड का कलर खूबसूरत नहीं है यार, तो खूबसूरत कलर ऐड करूं. हाँ ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना, हाँ क्या ना. चलो तो यहां पे लिखता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा. नहीं नहीं ये भी बेकार लग रहा है, इसमें ज्यादा फंक्शन भी नहीं है. इसमें फंक्शन है वो देखते हैं, फंक्शन चाहिए भाई अपने को. हाँ यहाँ पे ज्यादा फंक्शन है. चलो तो ये देख लेते, सुनिए 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 ध्यान से सुनिए सब लोग. ये देखो ये है सर्कल, ये है वर्टिकल सर्कल, ठीक है, वर्टिकल सर्कल. अभी जो वर्टिकल सर्कल है, हालांकि ये वाला जो वर्टिकल सर्कल का पार्ट है ना, ये मोशन इन अ प्लेन का भी पार्ट है और रोटेशनल डायनामिक्स का भी पार्ट है. और इसकी पूरी थ्योरी 11वीं में नहीं 12वीं में आपके फर्स्ट चैप्टर में दी हुई है रोटेशनल डायनामिक्स में, बट यहां पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं. तो ध्यान से सुनेंगे कि यहां पर जो स्पीड रहती है, स्पीड वो कितनी कितनी रहती है. यहां पर एक स्पीड होती है, यहां पर एक स्पीड होती है, यहां पे एक स्पीड होती है, और ये तो सेम ही है, तो इसको भूल जाओ. तो ध्यान से सुनेंगे, यहां पे स्पीड होती है अंडर रूट 5 RG, ये मिनिमम स्पीड है बॉटम पे. इसको आप चाहे तो V बॉटम या कुछ भी लिख सकते हैं, या V1 लिख दो, जो लिखना है लिखो. ये V2 रहता है √3 RG, मिनिमम स्पीड जो यहां पर चाहिए ताकि सर्कल कंप्लीट हो सके. और यहां पे जो मिनिमम स्पीड होती है V3 वो होती है अंडर रूट ऑफ 1 RG, ठीक है. तो √5 RG, √3 RG, √1 RG, ये बात याद रखना. इसे कहते हैं वर्टिकल सर्कल, ये हो गया सेंटर, और ये जो दूरी है ये हो गया इसकी रेडियस, ठीक है, याद रखना. नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि अगर मैं ऐसा मान लूं कि ये जमीन है, अगर मैं ऐसा मान लूं कि ये जमीन है, ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा मैं मान लेता हूं कि दिस इज द ग्राउंड, ग्राउंड ज्यादा ऊपर चला गया, नीचे लाते थोड़ा, ठीक है. तो ये ग्राउंड है, ये जमीन है, अरे ये टच है रे बाबा इससे, बट मैं टच नहीं कर रहा हूं, ठीक है. ये नीचे का पार्ट टच है, सर्कल का नीचे का पार्ट टच है, तो ये ग्राउंड है. सो दिस थिंग इज ग्राउंड, सो हाइट इज इक्वल टू जीरो, ग्राउंड की हाइट जीरो है. अगर मैं इस हाइट को देखूं तो ये हाइट है 2R, याद रखना, ठीक है. ये जो ऊंचाई है यहां से वहां तक 2R है, अबे R प्लस R 2R है, ठीक है. अब सवाल क्या है, पहले वो समझते हैं सवाल क्या है. सो सवाल है कि बॉडी वर्टिकल सर्कल में चल रही है, ठीक है भैया, वर्टिकल सर्कल में चल रही है, उसका रेडियस R है, ठीक है. बॉडी जब हाईएस्ट पॉइंट पे गई तो धागा टूट गया, स्ट्रिंग ब्रेक हो गई, सो दिस इज नथिंग बट धागा. सो धागा टूट गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स, मतलब बंदा घूमते घूमते ऐसा उसका धागा यहां पे टूट गया. अरे बंदा जा रहा था यहां पे आके धागा टूटा तो बंदा सीधा जाएगा ना फिर, अरे बंदा फिर ऐसे गोल घूमेगा. अरे अकल के पुतलो, धागा ही टूट गया तो बंदा ऐसे जाके गिर जाएगा इधर, समझ गए. सो बंदा इधर आके गिर जाएगा, तो यहां पे अगर स्ट्रिंग टूटी तो यहां के वो गिरेगा तो कितना दूर जाएगा, है ना. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट, अरे भैया कितना दूर जाके गिरेगा. अबे उनको ये डिस्टेंस चाहिए, दे नीड दिस डिस्टेंस, सो उनको ये डिस्टेंस चाहिए एक्स. व्हाट इज दिस एक्स, ठीक है. कुछ लोग कह रहे हैं एक्स का नाम ले लिया बाबा, एक्स का नाम ले लिया. अरे ऐसा मत करो रे बाबा, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ठीक है. पढ़ाई करोगे सब कुछ मिलेगा,
सो लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। तो ये जो घूम रहा है, घूम के इधर गिरा एग्जिस्टेंस पर, तो कितना दूर गिरा ये सवाल है। तो चलिए आइए स्लाइड ऐड करते हैं और स्लाइड पे काम करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो लिसन, जब बंदा यहां से निकला तो उसके पास ये वाली स्पीड कितनी थी, तो उसके पास जो एक्स डायरेक्शन में आगे जाने की जो स्पीड थी वो थी रूट वन आर जी, ठीक है, वन आर जी की स्पीड थी। अच्छा, वो कितनी ऊंचाई पर है, वो ऊंचाई पर है, उसकी हाइट है या डिस्टेंस है टू आर। ये जो डिस्टेंस है वाई डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस, वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस टू आर है, ठीक है। अच्छा, वो कितनी देर में नीचे गिरने वाला है, ये पहले कैलकुलेट कर लो, क्योंकि देखो जितनी देर उसके पास है नीचे गिरने के लिए उतनी देर तक ही तो आगे चलेगा। अबे अगर मैंने कोई चीज को ऐसा फेंका तो वो आगे तो जाएगी ही, ग्रेविटी की वजह से नीचे भी आएगी, तो वो आगे कब तक जाएगी, जब तक वो जमीन पे टच नहीं हो जाती। अरे जब तक वो जमीन पे गिर नहीं आती। अबे तो जमीन पे गिरने का टाइम मेरे पास कितना है पहले वो जान लो, तो फिर उस टाइम में कितना आगे गया वो मालूम पड़ जाएगा। अरे मैंने कोई चीज को फेंका तो वो जमीन पे जाएगी ना, तो जमीन पे जाने का अगर टाइम मुझे मालूम पड़ गया तो वो टाइम को अगर मैं इस स्पीड से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि भैया इस स्पीड से इतने टाइम में वो कितना आगे गया। तो टाइम पता करते हैं। तो सुनो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर रहता है, बराबर है। अगर y डायरेक्शन में लिखूं तो एस वाई इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, बट एस वाई की वैल्यू है 2r के बराबर, y डायरेक्शन में जो हाइट है 2r के बराबर है, यू वाई की वैल्यू जीरो है। अबे सुनो, ये पत्थर के पास आगे जाने की स्पीड तो है, नीचे गिरने की शुरू की स्पीड जीरो है, कुछ नहीं है। अरे आगे जाने की शुरू की स्पीड है रूट वन आर जी, लेकिन नीचे गिरने की स्पीड कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये आर और ये आर सेम होना चाहिए, सॉरी हाँ, सो वन आर जी। हाँ तो सुनो, यू वाई जीरो है। अच्छा, एक्सीलरेशन नीचे आने का कितना है, जी है। एक्सीलरेशन कितना है बेटा, इट इज जी। अरे समझ रहे हो कि नहीं रे बाबा, एक्सीलरेशन नीचे आने का जी है, क्योंकि नीचे आ रहा है ना बंदा। ओके, तो टाइम कितना लगेगा वो जानना है हमको। तो देयरफॉर 2r इक्वल्स टू, 2r डाल दिया, यहां जीरो डाल दिया, बचा हाफ जी टी स्क्वायर। सो कितना बचेगा, देयरफॉर टी स्क्वायर इज 4r बाई जी। ध्यान से देखो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 4 4 आर और नीचे जी चला गया, तो 4r बाई जी। अरे हाँ के नारे बाबा, बराबर है ना बेटा, तो 4r बाई जी। सो इतना टाइम है अपने पास, ठीक है, इतना वक्त है अपने पास। सो टी इज 2√r/g। चलो ठीक है, इतना वक्त है, इतने वक्त में ये बंदा नीचे जमीन से टकरा जाएगा, लेकिन जब तक ये जमीन से टकराता नहीं चलता रहेगा। तो कितना चलेगा, तो x इज इक्वल टू, अरे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी अपने पास, रूट वन आर जी। टाइम कितना अपने पास, 2√r/g। तो रूट जी कैंसिल, बराबर 2 को साइड में रखो, रूट आर बन जाएगा आर, सो 2r। सो डिस्टेंस जो वो चलेगा 2r के बराबर चलेगा। अबे समझे कि नहीं समझे, तो ये जो बंदा है जो चलने वाला है वो यहां से यहां के गिरने वाला है, तो ये एक r हो गया और ये एक r हो गया, 2r के बराबर चलेगा, यहां से यहां तक 2r, समझे। अरे अप्रोक्सीमेटली बनाया रे बाबा, इधर आगे गिरेगा तो यहां से यहां तक एक r है और यहां से यहां तक एक r है, 2r गिरेगा, 2r पे जाके गिरेगा, ठीक है। एनीवे समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो याद रखिएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहां से इसको मिटा देता हूँ वरना एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यहां बना देता हूँ कि कहानी कुछ ऐसी है कि ये बंदा यहां से छूटा और यहां आके गिरा, और ये जो दूरी है ये है r और सॉरी और ये भी है r, 2r दूरी पे गिरा रहे, क्योंकि ये सेंटर है ना रे बाबा, तो यहां से यहां r, यहां से यहां r, ठीक है। सो 2r की दूरी पे आके गिरा है। ओके एनीवे, सो आंसर है 2r। चेक कर लेते हैं आंसर, सो आंसर इज 2r। कैन यू सी दैट, 2r इज द आंसर। समझो अच्छा, ऑप्शन सी, 2r ऑप्शन सी, ठीक है। एनीवे आगे बढ़े, चलिए
अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्क्यूलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद वेलोसिटी वी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन. सुनो, सर्क्यूलर पाथ में घूम रहा है, उसका एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है. कब? जब उसने हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, अर्धा रेवोल्यूशन संपला. सो हाफ रेवोल्यूशन इज डन, ओवर. हाफ रेवोल्यूशन बोले तो देखो क्या होगा, सुनना ध्यान से. तो अगर ये है आपका सर्कल, ठीक है, और बंदा यहां से लेके घूम के यहां गया, तो यहां उसकी स्पीड नीचे देख रही थी, यहां इसकी स्पीड ऊपर देख रही है. अरे आधा रेवोल्यूशन हो गया ना. तो लिसन, व्हाट इज एवरेज एक्सीलरेशन? सो एवरेज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एवरेज इज फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टोटल टाइम टेकन. अरे फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम. तो फाइनल स्पीड मान लो प्लस v है और इनिशियल स्पीड माइनस v है. कैसे लिखा मैंने? ये मान लो फाइनल स्पीड है, तो फाइनल स्पीड ऊपर है, ऊपर को मान लो हमने ले लिया प्लस, मतलब अपनी मर्जी से प्लस, और इनिशियल स्पीड को ले लिया माइनस, मतलब नीचे है ना, नीचे को ले लिया माइनस. तो v माइनस ऑफ माइनस v, अबे ये स्पीड है v2, अबे फाइनल स्पीड ये है बे, इनिशियल स्पीड ये है बच्चा, ये इनिशियल स्पीड है, वो फाइनल स्पीड है. तो फाइनल स्पीड लिया प्लस v और इनिशियल स्पीड लिया माइनस v, तो जाहिर सी बात है कि v माइनस और माइनस v आएगा. टाइम कितना लगा? अच्छा टाइम कैसे पता करते हैं? टाइम कैसे पता करते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है रे बाबा? यहां से यहां का डिस्टेंस है कितना? इट इज 2 पाई r का आधा. अबे ये पूरा होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r का आधा मतलब पाई r डिस्टेंस है. कितना डिस्टेंस है? पाई r. तो ये हो गया डिस्टेंस. टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और डिस्टेंस कितना है अपने पास? डिस्टेंस कितना है अपने पास? सो ये तो स्पीड आ गई ऊपर 2v, और नीचे है आपके पास x by v, और x डिस्टेंस कितना है? पाई r है. पाई r by v. तो ये जो नीचे का v है, अरे डिस्टेंस पाई r हो गया ना, और ये जो v है नीचे का, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2v square by pi r. ये हो गया एवरेज एक्सीलरेशन. ऐसा कुछ है क्या? 2v square by pi r. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. फैंटास्टिक. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. समझ गए? 2v square by pi r. अबे ध्यान से देखो बे, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम. टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. समझ गए बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं. टू पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. दो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन में घूम रहे हैं इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोले तो अगर एक पार्टिकल ऐसा घूम रहा है तो दूसरा पार्टिकल ऐसा घूम रहा है ताकि दोनों का सेंटर एक ही रहे. कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सेम सेंटर वाला. तो इसका सेंटर भी वही है, उसका सेंटर भी वही है, और एक का रेडियस है आर वन, दूसरे का रेडियस है आर टू. तो इसका रेडियस है आर वन, इसका रेडियस है आर टू. The two particles and the center of circle lie on the straight line. चलो ठीक है, तो दोनों पार्टिकल एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में. तो एक काम करता हूं मैं कि कैसा बनाता हूं, ध्यान से देखो. एक ही लाइन में दोनों, तो एक बंदा ये है, दूसरा बंदा भी इधर ही है, इसी लाइन में है. ठीक है, तो जो दूसरा बंदा है इसका रेडियस है r2, और दोनों एक ही लाइन में है. बोले तो ये पार्टिकल जब यहां है तो वो पार्टिकल भी वहां है, दोनों एक ही लाइन में है. चलो ठीक है, फिर क्या बोला है? और हमेशा साथ में ऐसे ही घूम रहे हैं. दे आर सेइंग के रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या? एक बात बताओ, जब यहां साथ में है, यहां साथ में है, यहां साथ में, यहां साथ में, अबे तो सेम ही एंगुलर स्पीड होगी ना, क्योंकि सेम एंगल कवर कर रहे हैं. सेम एंगल कवर कर रहे तो सेम स्पीड होगी. तो ओमेगा टू सेम एज ओमेगा वन, यानी कि दोनों का रेशियो क्या होगा? वन इज टू वन. अबे दोनों सेम है ना रे बे. अब you guys understand what I'm trying to imply here? It's damn easy, come on. So omega 2 is same as omega 1, angular speed dono ki same hai. Are dono same angle cover kar rahe hain, same time, same angle, same time covering, same angle in same time, kyunki dono isi line pe rehte hain, hamesha aisa bola hai. So basically 1 is to 1 is the right answer, option D, 1 is to 1. Theek hai, 1 is to 1. आगे बढ़ते हैं. A particle is moving in a uniform circular motion with speed v
ऑफ रेडियस आर एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, क्या पूछा है? एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मतलब अल्फा की वैल्यू पूछिए, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। अरे इट्स डैम इजी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डैम इजी। सो लिसन वेरी केयरफुली, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जीरो आएगा। क्यों? अरे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अरे बाबा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोले तो एक ही स्पीड से घूम रहा है, एक ही एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है डी ओमेगा बाई डी टी, बट ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, फिक्स कॉन्स्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। सो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो, उसका डेरिवेटिव निकलता नहीं है, जीरो रहता है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये सब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। समझ गए? ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट, कुछ फॉर्मुला देखने की जरूरत नहीं है, डी ओमेगा बाई डी टी करने की जरूरत नहीं है, खाली याद रखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। सो कुछ कुछ सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड या थियरी बेस्ड रहते हैं, बहुत ही सिंपल से रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक स्टोन है जिसका मास है 3 kg, सो 3 kg का स्टोन है ये उसका मास है, अटैच एट वन एंड टू अ 2 meter लॉन्ग स्ट्रिंग, सो 2 meter की लंबाई की स्ट्रिंग है, तो धागे की लंबाई यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल, धागे को घुमाएंगे ना, चाहे ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ जैसे भी घुमाओ, वो लंबाई धागे की वही तो रेडियस बनेगा ना सर्कल का। अरे हाँ के ना, अरे बाबा सर्कल में घुमाऊंगा 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 तो सेंटर से पकड़ के घुमाऊंगा, तो यही लंबाई है यही रेडियस है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कल। अच्छा सर्कल में घुमाते वक्त स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग 45 का एंगल बना दी, मतलब ये क्या हो गया मालूम है? कोनिकल पेंडुलम हो गया। अरे ऐसा घूम रहे बाबा और ये 45 का एंगल है, सो इट इज नथिंग बट कोनिकल पेंडुलम। चलो ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग इज हाउ मच, तो कितना सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा ये हमें जानना है कि मतलब ये जो बंदा है इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ देखने वाला फोर्स, वो कितना लग रहा है? ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो एक स्लाइड ऐड करता हूं मैं, तो अब कैसे निकालेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स? तो ये है हमारे पास एक आकृति, एक डायग्राम, ये है वो बॉल जो कि इस सर्कल में घूम रहा है, इसके ऊपर लगने वाले जो बल हैं, फोर्सेस हैं, वो कौन कौन से? एक है टेंशन जो धागे की तरफ लग रहा है ऐसा, और एक है एमजी ग्रेविटी। अब इन्हीं दो बलों को हमें तोड़ना होगा, उसको ब्रेक करना होगा, तो जब ब्रेक करेंगे तो टेंशन के दो हिस्से बनेंगे, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, तो बेसिकली जो सेंटर की तरफ बन रहा है, जो सेंटर की तरफ बन रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो हमें जानना है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है कितना, तो ये एक्चुअल में टी साइन थीटा है और ये टी कॉस थीटा। आप बोलेंगे सर ये कैसे आ गया, क्योंकि बच्चा ये एंगल क्या रहता है? थीटा रहता है। अगर ये थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स, इतना तो बेटा बचपन में मैथ्स में पढ़ चुके हैं। सो टी साइन थीटा ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाई आर, या फिर एम वी ओमेगा, या फिर एम आर स्क्वायर ओमेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है टी साइन थीटा के बराबर। लेकिन अब अपने को इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ऑप्शन में जो रहेगा उसके हिसाब से काम करना है। तो अपने को टी साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है टी साइन थीटा, क्योंकि वही सेंटर की तरफ देख रहा है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंटर, सेंट्रीपिटल का मतलब ये सेंटर की तरफ देखने वाला, सेंट्रीपिटल सेंटर सीकिंग, सेंटर को देखने वाला, पीटल बोले तो देखने वाला। सो लिसन वेरी केयरफुली, टी साइन थीटा निकालना है। टी साइन थीटा निकालेंगे कैसे? तो यहां पे दिमाग चलाएंगे, mg और t cos थीटा बराबर है, सो t cos थीटा इज सेम एज mg, तो t की वैल्यू हो जाएगी mg by cos थीटा। मास दिया हुआ है, पार्टिकल का मास कितना दिया हुआ है? 3 kg, तो 3 kg, ग्रेविटी को ले लेंगे 10 और
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, एंट्रेंस एग्जाम में ले सकते हैं। और कॉस थीटा, कॉस 45, सो कॉस 45, सो 30 डिवाइड बाई 1 बाई रूट 2, सो ये हो गया 30 रूट 2। ये टेंशन की वैल्यू है, ये टेंशन की वैल्यू, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए, मुझे टेंशन साइन थीटा चाहिए। सो देयरफॉर एफ सी इज टी साइन थीटा इज 30 रूट 2 साइन 45। सो 30 रूट 2 साइन 45 कितना होता है, साइन 45 भी होता है 1 बाय रूट 2, रूट 2 कैंसिल, 30 न्यूटन इज द आंसर, परफेक्ट। सो सेंटीमीटर फोर्स इज 30 न्यूटन। देखिए हजम कीजिए इस स्टेप को, हजम कीजिए, तो यहां पर 30 न्यूटन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक सेकंड, क्या दिया 20 न्यूटन, व्हाट द हेल डिड आई डू, क्या गड़बड़ किया मैंने बच्चा, कुछ तो रॉन्ग किया ना मैंने, क्या रॉन्ग किया, सेंट्रीपिटल फोर्सेस एम बी स्क्वायर बाय आर ना, क्या मैंने गलत किया यार, कौन सी ऐसी मुझसे गलती हुई जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है रे, क्या गड़बड़ है। एक सेकंड, इसी को अपने ना एक काम करते हैं, दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं तो मालूम पड़ जाएगा। तो सुनो, सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाय आर, सो मास दिया हुआ है इन लोगों ने 3 किलो, और स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, याद आ रहा है मैंने बताया था कोनिकल पेंडुलम में आर जी टेन थीटा स्पीड होती है, हाँ क्या ना, इधर देखो किधर गया रे बाबा, कोनिकल पेंडुलम, कम ऑन व्हाट द हेल, हाँ कोनिकल पेंडुलम में स्पीड होती है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, दिख रहा है बच्चा। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फटाफट क्या क्या सीन है। सो अंडर रूट आर जी टेन थीटा, सो यहां पर आ गया अपने पास 3, यहां हो गया आर जी टेन थीटा और यहां आ गया आर, बराबर है क्योंकि तो रूट हट गया ना, रूट और स्क्वायर हट गया, आर आर कैंसल हो गया, सो 3 आ गया, जी आ गया 10 45 तो 1 होता है, तो वापस 30 न्यूटन ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, 30 न्यूटन आ रहा है, आंसर रॉन्ग दिया हुआ, आंसर सॉल्यूशन में क्या मिस्टेक किया भाई, आंसर 30 न्यूटन ही आएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक है यार, क्या मिस्टेक है यार, समझ में नहीं आ रहा है। जी 10 ये हो गया, जी ये ले लिया 10, ये 10 क्या लिखा है, 10 45 1 होता है, तो वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास 2 लिया है लोगों ने, अरे मास 3 है रे बाबा, हाँ यही मिस्टेक हो गया ना इन लोग से, 30 न्यूटन आएगा बेटा, बाकी सब ठीक है। ये देखो मास, देखो मास 3 kg है ना, इन लोगों ने गलती से 2 ले लिया, दैट्स वाई। तो कभी कभार अलग अलग, मतलब इन लोग बोले तो ये क्वेश्चन मैंने खुद से खड़े के नहीं बनाया, तो पुराने जमाने के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं PYQs, वो PYQs में से इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन निकाल के यहाँ डाले, तो वहां पर कुछ बुक्स में सोल्यूशन भी रहता है, तो वो सोल्यूशन यहाँ लिख के डाले, तो वो सोल्यूशन जो वहां से यहां मैंने कट पेस्ट किया वो सोल्यूशन रॉन्ग है, बट जो मैंने आपको बताया वो राइट है बिल्कुल। ओके चलिए यहां आ जाते हैं, तो स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई है एल, और ये एक एंड पर फिक्स है, एक एंड उसका फिक्स है मास एम, मतलब एक एंड पर वो बंधी हुई है और दूसरे एंड पे मास एम है। मास इज रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर मेकिंग एन एंगल थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल इज 1 बाय पाई, सॉरी सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन एंड 1 बाय पाई रोटेशन पर सेकंड अराउंड द वर्टिकल एक्सिस ऑफ फिक्स एंड, थीटा इज अ सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है ठीक है वो ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है, टी पूछा है, टी की वैल्यू पूछा है, टी की वैल्यू सुनो क्या क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग की लंबाई लेंथ दिया हुआ है, सो लेंथ इज एल, वही रेडियस भी है, मास दिया हुआ है एम, मास इज एम, थीटा एंगल दिया हुआ है, और 1 बाय पाई रेवोल्यूशन हो रहे हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय पाई, और क्या दिया है,
टेंशन पूछा करिए, टेंशन पूछा, टेंशन इन द स्विंग, चलो निकाल लेते हैं, इतना भी हार्ड नहीं है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, एक सेकंड, अगले पेज पे जाके निकालते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो अगले पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। सो यहां पर ये R हो गया, ये L हो गया, ये H हो गया, ये थीटा हो गया। अब आपको मालूम है कि जो टेंशन है इसके दो टुकड़े होंगे, T साइन थीटा, T कॉस थीटा, और यहां नीचे होगा Mg, बराबर। ओके, तो दो इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं, T साइन थीटा इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर इसको आप लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन लिखी जा सकती है कि टी कॉस थीटा एम जी के बराबर है, ऊपर का और नीचे का फोर्स बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है टेंशन। तो एक काम करते हैं, ये पहली इक्वेशन को यूज करके देखते हैं कि इससे कुछ आता है कि नहीं। सो टेंशन इज नथिंग बट एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय साइन थीटा, बराबर। मास का एम रहने दो, रेडियस का आर, आर के बदले हम लोग क्या ले सकते हैं, मतलब रेडियस, ये रेडियस, रुको अभी फिलहाल के लिए आर ही रखो, और फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, टू पाई एफ होता है, टू पाई एफ याद करो। अरे बेटा मैं कितना दूर जाके दिखाऊं, इधर देखो ओमेगा इज टू पाई एफ, याद है कि नहीं, देखो ध्यान से किधर गया, ओमेगा इज टू पाई एफ, दिखा बच्चा, ओमेगा इज टू पाई एफ, तो याद करो, रट लो एकदम अच्छे से, हाँ, तो ओमेगा इज टू पाई एफ। सो ओमेगा इज टू पाई एफ, करेक्ट। सो यहां आ जाएगा फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, ऐसा कैसे आया, ओमेगा टू पाई एफ था लेकिन स्क्वायर हुआ ना बेटा, स्क्वायर हुआ ना, सो टू पाई एफ का स्क्वायर क्या होगा, टू पाई एफ है ना वो, उसका स्क्वायर क्या होगा, अरे बाबा ओमेगा क्या है, टू पाई एफ है, तो टू का स्क्वायर फोर, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर। साइन थीटा बोले तो साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर बाई एल आ जाएगा, यहां आ जाएगा आर बाई एल, तो ये आर ये आर कैंसल हो गया, नीचे आ गया एल, ये एल ऊपर जाएगा, सो एम एल हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर तो रहेगा ही, फ्रीक्वेंसी लोग ने दिया था वन बाई पाई, सो वन बाई पाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पाई स्क्वायर कैंसल, बचा 4 ml, दैट इज द आंसर। सो टेंशन का आंसर आ गया, डायरेक्टली एक इक्वेशन से आ गया, दूसरे इक्वेशन की तो जरूरत भी नहीं पड़ी, एक इक्वेशन से 4 ml आंसर आ गया, ऑप्शन सी 4 ml, कैन यू सी दैट, अरे हाँ क्या ना बच्चों, तो इसको आंसर को जरा हजम करो पहले कि क्या मैंने लिखा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, प्रस्थान करते हैं। तो एट एनी इंस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एंड परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या, ये पूछ रहे हैं ना, अरे तो बचकान है, डायरेक्टली आ गया आंसर, सेंट्रीपिटल फोर्स के तीन फॉर्मूले हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर, या एम वी डब्ल्यू, या ओमेगा, सॉरी ओमेगा बोलते हैं, डब्ल्यू नहीं बोलते, तो ये वाला ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एम वी ओमेगा, कैन यू सी दैट, किधर गया, ऑप्शन डी, ठीक है, एम आर ओमेगा नहीं, एम वी ओमेगा आएगा, एम वी ओमेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 0.5 केजी का जो मास है अटैच किया गया, तो मास दिया हुआ है 0.5 केजी, उसको स्ट्रिंग से धागे से अटैच किया गया, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया गया, और उसकी एंगुलर स्पीड जो है वो 10 साइकिल पर मिनट है, 10 साइकिल पर मिनट एंगुलर स्पीड है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 10 साइकिल्स पर मिनट, तो फ्रीक्वेंसी है 10 पर मिनट, यानी कि 10/60 पर सेकेंड आ जाएगा, हाँ 10/60 पर सेकेंड, अरे एक मिनट में 60 सेकेंड है ना भाई, तो इट इज 1/6 हर्ट्ज, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है,
ये बात याद रखना, फ्रीक्वेंसी एफ, सो 10 साइकिल्स पर मिनट, मास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया, रेडियस फिक्स है, टेंशन इन द स्ट्रिंग चार गुना हो गया, तो टेंशन जो बाद में हुआ वो पहले का चार गुना हो गया, पुराने टेंशन का चार गुना। और चार गुना हुआ कैसे, ये जो धागा घुमा रहे थे ऐसे करके, उसको एकदम तेज करते चले गए, तेज करते चले गए, तो जब फास्ट करते हैं ना तो धागे में खिंचाव बढ़ जाता है, आपने फील किया है, बहुत हैवी लगता है धागा, तो खिंचाव बढ़ गया, तो चार गुना टेंशन बढ़ने पर ओमेगा कितना हुआ होगा, ओमेगा की वैल्यू यानी कि फाइनल ओमेगा कितना है, ठीक है, फाइनल ओमेगा कितना है। अच्छा, ये शुरू की फ्रीक्वेंसी है, तो शुरू का एंगुलर स्पीड कितना होगा, इट इज 2 पाई एफ वन, ध्यान से समझिए, 10 साइकिल पर मिनट दिया है, 10 साइकिल पर मिनट, तो शुरू में फ्रीक्वेंसी है इतनी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर पूछा तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाय 6, ठीक है, लेकिन वो अभी पूछा नहीं है क्योंकि आंसर भी साइकिल पर सेकंड में, तो हमें आंसर ओमेगा में नहीं निकालना है, एक्चुअल में एफ में निकालना है, किस में निकालना है, एफ में, सो एफ टू निकालना है, ठीक है। अब ओमेगा और टेंशन का क्या रिश्ता है, सो लिसन वेरी केयरफुली, वी इज इक्वल्स टू अच्छा आप सुनो, ये कहानी कोनिकल पेंडुलम की नहीं है, ऐसा घुमा रहे हैं, ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसा, तो ऐसे करके धागे से पत्थर घूम रहे हैं, तो यहां पर स्पीड होती है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये बात याद रखना, ठीक है, v क्या होता है, आर ओमेगा। अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो इसका डायग्राम की शक्ल कैसी होगी, ध्यान से देखिएगा, इसके डायग्राम की शक्ल ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ये हो गया सर्कल, रुको थोड़ा मोटू सर्कल बनाता हूं, ये हो गया सर्कल, अब यहां पे है धागा, ये बंदा वी स्पीड से या ओमेगा एंगुलर स्पीड से गोल घूम रहा है, और ये इसका रेडियस है आर, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो इसका जो टेंशन होगा वो इधर देख रहा होगा, टेंशन सेंटर की तरफ, तो टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, सो टेंशन इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, सो टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, बट ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू एफ, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है बेटा, अरे हां के ना मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलो, सो टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर आ गया, सो देयरफॉर अब डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं कि एफ टू स्क्वायर बाय एफ वन स्क्वायर इज टी वन बाय सॉरी टी टू बाई टी वन, टी टू बाई टी वन, अरे बाबा प्रोपोर्शनल डायरेक्टली है ना, डायरेक्टली, तो टी टू लिखूंगा तो एफ टू, टी वन लिखूंगा तो एफ वन, समझ गए, मेरे को तो एफ टू चाहिए, सो देयरफॉर एफ टू अपॉन एफ वन इज रूट टी टू अपॉन टी वन, बराबर है कि नहीं, अरे हाँ कि ना रे बच्चा, सो देयरफॉर एफ टू इज इक्वल टू एफ वन अंडर रूट टी टू बाई टी वन, बराबर है, मैंने स्क्वायर रूट लिया था तो वहां पर रूट आ गया था, सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी टू क्या हो जाएगा, ये कितना आया, ये कितना साइकिल्स पर मिनट आया, नहीं पर सेकंड चाहिए ना इनको, इनको पर सेकंड चाहिए, ध्यान दो गड़बड़ ना हो जाए, पर सेकंड, अपने पास पर सेकंड का आंसर है 1/6 है, ठीक है, तो यहां पे डाल दो पर सेकंड 1/6, टेंशन कितना हो गया, टी टू कितना हो गया था, टी टू कितना हो गया था बेटा, टी टू हो गया था टी वन का चार गुना, सो 4t1, नीचे भी t1 है, t1 t1 कैंसल हो गया, तो रूट निकालोगे 4 का तो 2 आएगा, तो 1/3 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/3, अरे 2/6 मतलब हो गया 1/3 साइकल्स पर सेकंड, दैट्स इट, यही आंसर है। देखो ध्यान से, हाँ पहले मैंने क्या किया उसको समझो, ऑप्शन डी आएगा 1/3, मैंने क्या किया, पत्थर है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, उन लोग बोल रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है इसका टेंशन चार गुना हो गया, तो मतलब मैंने इसको बहुत फास्ट कर दिया, बहुत फास्ट कर दिया, बहुत फास्ट,
तो लोग बोल रहे कि अब नई वाली स्पीड क्या होगी और साइकिल्स पर सेकंड में चाहिए, मतलब उनको नॉर्मल वाली अपनी फ्रीक्वेंसी चाहिए और टेंशन चार गुना हो गया तो बस खत्म हो गया ना बात। मैंने टेंशन और टेंशन का फॉर्मूला लिख दिया, टेंशन इज सेंट्रीपेटल फोर्स, टेंशन इज सेंट्रीपेटल फोर्स हियर इन दिस सिनेरियो, यहां पे इस केस में टेंशन ही सेंट्रीपेटल फोर्स है क्योंकि वही सेंटर में देख रहा है। और सेंट्रीपेटल फोर्स होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम और आर फिक्स है, रेडियस फिक्स है, मास फिक्स है, टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर हो गया, लेकिन ओमेगा खुद एफ को प्रोपोर्शनल है बिकॉज ओमेगा इज 2πf, ओमेगा 2πf, 2π इज कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट है ना भैया, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी कि टी प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर हो जाएगा। अबे ओमेगा स्क्वायर के बदले एफ स्क्वायर लिख दो ना, खत्म हो गया, एफ 2πf1 इज अंडर रूट टी 2π t1, दैट्स इट। सो दैट्स डैम इजी, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, परफेक्ट, कैन यू सी दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर्क्यूलर मोशन के बहुत सवाल हो गए, इसको थोड़ा स्किप करते हैं, ये आप लोग प्रैक्टिस के लिए आराम से देखो, सर्कुलर मोशन के सवाल को हटा के प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ जाते हैं। यार प्रोजेक्टाइल मोशन है किधर, सबका सब सर्कुलर मोशन के सवाल डाल दिए क्या मैंने गलती से, अरे यार कहाँ है, ऐसा कैसे हो सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल गए किधर, गॉड डैम इट। तो ये भी है सर्कुलर मोशन, हाँ आया यहां पर किया गया अपना टू डायमेंशनल मोशन, मोशन इन 2D वाला सवाल, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, सर्कुलर मोशन भी 2D है बट ये भी आ गया नया। बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम हाइट h एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस h बाय 2 ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, देन द टाइम ऑफ फ्लाइट इन सेकंड इज हाउ मच। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो एक बॉडी है जिसने गिरना शुरू किया, वो गिरती जा रही है, तो मान लो वो कुछ टी सेकंड तक गिर रही है, तो जो आखिरी सेकंड है टीथ सेकंड, सो डिस्टेंस कवर्ड इन टीथ सेकंड, एक काम करते हैं यार एन सेकंड लेते हैं, टीथ लिखना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, अरे ये बॉडी नीचे गिर रही है तो एक सेकंड में यहां पहुंची, दो सेकंड में यहां पहुंची, मान लो तीन सेकंड में यहां पहुंची, तो तीन सेकंड नहीं लिखेंगे क्योंकि तीन सेकंड मालूम थोड़ी ना अपने को, अपन लिखेंगे एन सेकंड, तो एन सेकंड में वो यहां से यहां जा रही है, तो जीरो से एन सेकंड में वो यहां से यहां जा रही है। इन लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है, जो आखिरी सेकंड है ना एंथ सेकंड, तो मान लो कि ये पूरी हाइट है एच, तो एंथ सेकंड, ये जो आखिरी सेकंड था एंथ सेकंड, तो एंथ सेकंड में इसने ना एच बाई टू कवर किया, ये बात याद रखो, डिस्टेंस कवर्ड इन एंथ सेकंड इज एच बाई टू। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कितनी देर तक ये हवा में जो है चल रहा है, हवा में तैर रहा है पूरा टाइम। तो लिसन, डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड्स कोई पूछेगा तो उसका तो एक ही फॉर्मूला है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पे आपको एन डाल देना है यहां पे, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, क्योंकि टाइम ही एन सेकेंड्स है। लेकिन ये तो हो गया एन सेकेंड्स, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स, लेकिन किसी ने अगर पूछा तीसरे सेकेंड में डिस्टेंस कितना है, अबे समझो 3 सेकेंड में डिस्टेंस कितना है वो नहीं पूछ रहा है, तीसरे सेकेंड में डिस्टेंस, तो उसका एक अलग फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ नहीं था बुक के अंदर, तो फॉर्मूला में लिख देता हूं अभी, ध्यान से देखेंगे, अरे बाबा बहुत दूर चला गया पेज, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड्स ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड्स यहां लिख देते हैं, इसका कुछ तो इस्तेमाल करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एंथ सेकेंड ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड्स तो नॉर्मल है, वो है एस एन इज यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इसकी कहानी अलग है, तो s nth कहते हैं इसको, s nth, तो ये होता है u प्लस हाफ a इंटू टू एन माइनस वन, दैट्स इट। तो इसका ये फॉर्मूला है u प्लस हाफ a टू एन माइनस वन, ठीक है, u प्लस हाफ a इंटू टू एन माइनस वन, अरे बहुत दूर है, कम ऑन फटाफट आओ, इधर ही है रे बाबा, इधर है। तो लिसन,
ये तो साइड में हो गया अपना, असली कहानी तो यहां पे, डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड, एंथ सेकेंड सॉरी, सो एस एंथ इज यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। अच्छा, बॉडी को जस्ट ड्रॉप किया गया तो शुरू की उसकी स्पीड जीरो है, तो एस एन इज हाफ जी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो नीचे से ले जा रहा है वो है ग्रेविटी का, तो जी टू एन माइनस वन। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो हुआ कितना है, इट इज एच बाई टू, कितना हुआ है एच बाई टू, सो इट इज हाफ जी टू एन माइनस वन। बराबर है बच्चा, तो यहां से ये टू और टू कैंसिल हो गया, सो हाइट की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है जी टू एन माइनस वन, तो इतना ऊंचा ये पूरा डिस्टेंस है। ठीक है, अरे एंथ सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया एच बाई टू बोला है ना उन्होंने, एंथ सेकेंड में जो कवर किया है, एंथ सेकेंड में जो कवर किया है दैट इज एच बाई टू, तो वहां से एच मिल गया कि टोटल हाइट कितनी है, इट इज जी इंटू टू एन माइनस वन। अब सुनो ध्यान से, इन लोग पूछ रहे हैं कि पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो हमें जानना है कि पूरा टाइम कितना लगा नीचे आने में, नीचे आने में पूरा टाइम कितना लगा, तो वो तो यहां से निकालेंगे ना, यहां से निकालेंगे, क्योंकि आपको आना कितना है टोटल हाइट, एच आना है, तो इसको ध्यान से यूज करेंगे अब। सो एच इज इक्वल्स टू, शुरू की स्पीड जीरो है तो उसको गायब कर देंगे, बचेगा हाफ जी, और यहां पे है आपके पास एन सेकेंड्स, तो हाफ जी एन स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसको बोल देते हैं वन, इसको बोल देते हैं टू, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा हाफ, कहां से आ रही है, फ्रॉम वन एंड टू, सो हाफ जी एन स्क्वायर इज जी टू एन माइनस वन। बराबर है, जी और जी कैंसिल हो गया, सो एन स्क्वायर की वैल्यू आ रही है फोर एन माइनस टू। ठीक है, सो एन की वैल्यू आ रही है, एक सेकेंड, ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस बिकम्स एन स्क्वायर माइनस फोर एन प्लस टू इक्वल टू जीरो। बराबर है, सो देयरफोर क्या आ जाएगा बच्चा, तो एन स्क्वायर इसकी जो वैल्यू आएगी कैसे आएगी, n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है ना। सो यहां पर b की वैल्यू है माइनस फोर, अरे इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो b की वैल्यू है माइनस फोर, सो माइनस ऑफ माइनस फोर प्लस फोर हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए है वन और सी है टू, फोर ए सी अपॉन टू इंटू वन। ध्यान से देखो, ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस फोर है, सी की वैल्यू प्लस टू है। ओके, सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सो एन इज इक्वल टू फोर प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ सोलह माइनस कितना आ रहा है, फोर टू जो एट, एट आ रहा है और नीचे टू, तो यार है फोर प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो गया, सोलह माइनस आठ कितना हो गया, आठ हो गया बाई टू, तो यार है आपका फोर प्लस माइनस टू रूट टू अपॉन टू। अरे एट का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, अरे अगर बच्चा आपको ये नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो अंडर रूट ऑफ एट को कैसे लिखते हैं, टू इंटू फोर, तो फोर का रूट तो टू हो गया, वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट टू नहीं निकल पाएगा, तो रूट टू ऐसी कैसी रहेगा, ये आ गया। अब इसको सेपरेट करो तो 4 बाई टू प्लस माइनस टू रूट टू बाई टू, नीचे का सेपरेट करो तो इसके नीचे भी लिखो, इसके नीचे भी लिखो, तो यहां से आपको यहां पे 2 मिलेगा प्लस माइनस यहां पे रूट रूट टू मिलेगा, समझ रहे हो, इस तरीके से आएगा 2 प्लस माइनस रूट टू, सो दैट इज द आंसर। समझे कि नहीं समझे, तो इतना टाइम लगेगा, अरे आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट, चलो आंसर देख लेते हैं, सो दैट इज द आंसर, सो 2 प्लस माइनस रूट टू, परफेक्ट। ठीक है, सो यहां पे ऐसा आंसर जो भी ऑप्शन सबसे नजदीक का रहेगा वो ले लेंगे, सो 2 प्लस रूट टू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो ये प्रॉब्लम भले से थोड़ा सा हार्ड था लेकिन एकदम नामुमकिन भी नहीं, तो जो आप में से जो बच्चे बहुत ही सीरियस है सीईटी को लेके,
कोई एकाध प्रॉब्लम तो ऐसा कर ही सकते हैं ना। चलो ये प्रॉब्लम सबको हार्ड पड़ा था तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। रिवीजन, लिसन, एक चीज गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, बहुत सारे उसको सेकेंड्स लग रहे हैं, लेकिन लोगों ने बोला आखिरी सेकेंड जो है, आखिरी सेकेंड, एंथ सेकेंड, उसमें उसने h by 2 डिस्टेंस कवर किया, लेकिन टोटल कितने में कवर किया? टोटल तो n सेकेंड्स में कवर किया ना, तो n सेकेंड में उसने h कवर किया। तो दो इक्वेशन यूज करेंगे, एक तो n सेकेंड्स वाली और एक nth सेकेंड वाली। n सेकेंड्स वाली इक्वेशन है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और a की जगह पे हम लिख देंगे g, और इसकी इक्वेशन है u प्लस हाफ जी टू एन माइनस वन, ए है लेकिन उसको लिख देंगे g। तो अब ये जो डिस्टेंस कवर किया है वो h कवर किया है, और u तो स्टार्टिंग स्पीड तो जीरो है, तो हाफ जी एन स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर इसने डिस्टेंस कवर किया h बाई टू, तो इसको लिख देंगे u प्लस हाफ जी टू एन माइनस वन, और u कितना है शुरू में, जीरो है, तो ये भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो यहां से ये टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करते ही हाफ जी एन स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जी टू एन माइनस वन, यहां से जी भी उड़ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, इसको उधर ले जाओ तो एन स्क्वायर माइनस फोर एन प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसको क्वाड्रेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे, और इसको कंपेयर करो ना पहले, इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, सो देयरफॉर ए की वैल्यू आ रही है वन, बी की वैल्यू आ रही है माइनस चार, और सी की वैल्यू आ रही है दो। तो अब आपको मालूम है कि रूट क्या होता है, ऐसी इक्वेशंस का रूट होता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, सो माइनस ऑफ माइनस फोर आ गया, अंडर रूट ऑफ माइनस फोर का स्क्वायर आ गया, बराबर है माइनस फोर इंटू ए इंटू सी की वैल्यू टू डिवाइड बाई टू, बस अब इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाता है फोर बाई टू प्लस माइनस टू रूट टू बाई टू, सो दिस इज टू प्लस माइनस रूट टू, ठीक है, दैट्स इट। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई, ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं। एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, सो मिनट हैंड जो रहता है क्लॉक का, घड़ी का जो मिनट का कांटा रहता है, मिनट का कांटा, उसका डिग्रीज पर सेकेंड में क्या स्पीड है? तो एंगुलर स्पीड होती है थीटा अपॉन टाइम। अब जो थीटा है टोटल मिला के 360 है, 360 डिग्री है ना पूरा घूमने का। अच्छा मिनट का कांटा कितनी देर में 360 घूमता है पूरा, मिनट का कांटा 12 पे है, 12 से 12 कब आएगा, मिनट का कांटा, मिनट का कांटा, जो मिनट का कांटा है, सेकेंड का कांटा नहीं, सेकेंड का कांटा नहीं, सेकेंड का कांटा जो रहता है वो एक मिनट में यानी कि 60 सेकेंड में पूरा घूमता है। मिनट का कांटा 5 मिनट होते हैं तो इधर जाता है, 10 मिनट होते हैं इधर जाता है, 15 मिनट में इधर आता है बीच में, और आधे घंटे में इधर आता है, तो पूरा 60 मिनट में मिनट का कांटा घूमता है, 60 मिनट। तो यहां पे 60 मिनट से डिवाइड करो। अच्छा 60 मिनट जो होता है उसमें मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड, अपने को डिग्री पर सेकंड ही चाहिए, डिग्री पर सेकंड। तो अब ये हो गया 360 डिग्री अपॉन 3600 सेकंड, क्योंकि 60 इंटू 60 होता है 3600, सो डिग्री पर सेकंड में आंसर आ रहा है 0.1, दैट्स इट, 0.1 डिग्री पर सेकंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समझ गए, परफेक्ट, 0.1 डिग्री पर सेकंड। ये भी सर्कल वाले ही है, आगे बढ़ते, सर्कल वाले बहुत फेवरेट हैं ये सवाल। ये तो एग्जैक्टली पहले ऐसे ही है कि अगर यू स्पीड से चल के एस डिस्टेंस पे रुका तो डबल स्पीड करने पे कितना आगे रुकेगा, तो तुमको मालूम है कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू यू का स्क्वायर, तो अगर तुमने स्पीड को डबल किया डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, सो मोर देन एस, तो इसका राइट आंसर है मोर देन एस, खाली इतना ही पूछा, मोर देन एस इज द राइट आंसर, ठीक है, मोर देन एस ऑप्शन ए, अगर एग्जैक्टली पूछा है तो 4U आ जाएगा, मोर देन एस, सो एस डैश इज मोर देन एस। बहुत ही बचकाने सवाल रहते हैं कोई कोई, ओके ये क्या है, ये फिर सर्कल आ गया यार, ये सर्कल से मैं बड़ा परेशान हो गया। तो इसमें और भी सवाल आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं,
बट अभी वक्त काफी उछला है, बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया, 2.5 घंटे का हो गया ना। तो अब इसके आगे के जो भी सवाल होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के और डिटेल वाले, वो यहां तो कवर नहीं हो पाएंगे अभी, वो ऐप पर कवर होंगे, ऐप पर। तो आप लोग प्लीज जाके गूगल प्ले स्टोर पे, ऐप तो फ्री में अवेलेबल है भाई, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, प्रोफेसर ऑफ साइंस ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर जाओ, कोर्स है 299 रुपीज का सिर्फ कोर्स है, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र फिजिक्स बैच 2024 MHT CET, तो उसको बाय करो। उसके अंदर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, और ये PDF भी वहां पे मिलेगा, ये PDF तो मिलेगा ही आपको। इसके अलावा, ये PDF के अलावा आपको एक्स्ट्रा 40-50 क्वेश्चंस मैं और दूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PYQs हैं, और वो एग्जाम में आने का बहुत चांस है, ठीक है। ये सब एक्सपीरियंस से होता है, एक्सपीरियंस से, ठीक है। सो लिसन वेरी केयरफुली, तो आप लोग डाउनलोड कीजिए वो ऐप, वहां पे जाके इसके आगे का और आप सेशन देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को ये वाला वीडियो शेयर करो, ज्यादा लोग जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा मैं यूट्यूब पे आके पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि बेटा मोटिवेशन तो होना चाहिए, मजा तो आना चाहिए, जब भीड़ बैठी होगी सामने तो इंसान और जोश में आके और ज्यादा पढ़ाता है, ये बात तो सभी को पता है, राइट। चलिए एनीवे, तो हम लोग बस यहीं पे एंड करते हैं, तो बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा। सो जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, टेक केयर।